Hi friends, welcome back to CM Design. Today we have a model single plate clutch. Today we will discuss about the single plate clutch. In the last video we have discussed about the spring, all the calculation of spring. So in this video we will discuss about single plate clutch. तो ये जो सिंगल प्लेट क्लच है मेरा, तो हम इसको बनाने वाले हैं। क्या क्या डायमेंशन है सब कुछ आपको दिख पाएंगे इस वीडियो में, आपको मिल जाएंगे। आपको अगर बनाना भी होगा आप देख के बना सकते हो। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा सारा क्लच के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट है मैं समझा दूं आपको, पूरा डिजाइन बता दूं। तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, बस आपको लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो सारा जो सिंगल प्लेट क्लच में क्या क्या होता है, फ्लाईल क्या होता है, स्प्रिंग कैसा होना चाहिए, सब कुछ आप देख पाओगे इसमें शॉप वगैरह के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं स्केच ले लूंगा। तो दोस्तों अभी मैं क्या करूंगा, जो मेरा स्केच रहेंगे ना, तो मैं स्केच को जो है आपको बनाने के बाद मैं सबको डायमेंशन दिखाऊंगा, क्योंकि मैं आपके साथ स्केच बनाने में लग जाएगा तो बहुत टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो मैं स्केच बनाऊंगा फिर आपको डायमेंशन दिखाऊंगा कैसे डायमेंशन। आप वीडियो को पॉज कर लेना, डायमेंशन के हिसाब से आप बना सकते हो, ठीक है। तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो हमने इसकी स्केच बना दी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ मैं किसकी स्केच बना रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा जो कॉम्पोनेंट है ये वाली, ठीक है, तो मैं इसकी जो है डिजाइन बना रहा हूँ, ठीक है। ये फ्लाइल व्हील है, तो फ्लाई व्हील की हम डिजाइन बना रहे हैं। तो सबसे पहले इसको मैं रिवॉल्व मारूंगा, जो मेरा ये स्केच है आप देख पाओगे। तो ये मेरा स्केच बन गई है, तो इसको मैं रिवॉल्व कर दूंगा यहाँ सिंपली जाके यहाँ से, ठीक है। तो ये मैंने रिवॉल्व कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। जब भी रिवॉल्व करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके स्केच जो है ओपन ना हो, ठीक है। तो ठीक है, तो मैं इसको सेव कर लूंगा। अब दोस्तों देखना इसमें ये है जो आपने डिजाइन बनाया यहाँ पे कहाँ कहाँ हमें होल्ड है, ठीक है। तो हम होल्ड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे स्केच ले रहा हूँ, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ सारे तरीके से। तो मैं कंट्रोल ए, मैं स्केच बना के आपको दिखाता हूँ, तब तक मैं वीडियो पॉज कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आप देख लो डायमेंशन कैसा है, कहाँ पे लगाना है, ठीक है। मैंने ले लिया है दोनों तरफ से इक्वल। तो पहला जो है 120 का है और दूसरा जो है 75 रेडियस का है। तो मैंने यहाँ पे लाइन से कर दिया क्योंकि एंगल पे है, ठीक है। तो फिर इसको मैं एक्सट्रूड कट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो फिर इसको एक्सट्रूड कट कर देते हैं, बुट साइड मैंने इसको कट कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों देखो ये मेरा यहाँ पे हो गया है। अभी इसके ऊपर मुझे थ्रेड लगाना है, सॉरी थ्रेड आ गई, टीट लगाना है। तो मैं हम टीट लगाएंगे, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ आपको टीट कैसे लगाना है। दोस्तों मैंने यहाँ पे टीट ले लिया है, ठीक है। तो आप पेमेंट देख पाओगे, मैं इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो जिसको भी स्क्रीन लेना है ले सकते हो और टेक भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये जो है 31.89 बना के लिखा है, टोटल 520 आएगा, ठीक है। 520 मीटर टोटल। तो मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ नीचे की तरफ, ठीक है। तो मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, इसको मैं एक्सपोर्ट करूँगा 15 mm, ठीक है। रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। तो मैं इसको 15 mm एक्सपोर्ट कर दिया। तो ध्यान रखना है, अभी मैंने बोला 520 फीट रहेगा, लाइक इस तरीके से आपको रहेंगे। और इसमें मैंने एक्सपोर्ट जो किया था, मैंने यहाँ पे कंट्रोल लेना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि मेरा जो होल है वो गायब हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे पूरा कवर हो गया है, ठीक है। मुझे यहाँ पे कंट्रोल लेना पड़ेगा, तो मैं इस जगह में जाके, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे एक और स्केच बनाना पड़ेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे स्केच में गए, ठीक, मैंने और स्केच ले लिया क्योंकि मुझे ना सेंटर जो है गायब नहीं करना है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से एग्जिट कर दिया हूँ अब, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आप देखिए अभी क्या करना है। वो यहाँ पे मेरा होल रहेगा ही क्योंकि ऊपर से मुझे यहाँ पे बोल्टिंग करना होगा, तो इस तरीके से हम इसको बोल्टिंग करेंगे, ठीक है। तो मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, आप पॉज करके आप बना सकते हो, सारा डायमेंशन वगैरह ले सकते हो। अभी इसमें मेरा एक काम रहेगा, यहाँ पे थोड़ा एंगल में होल होगा, हम बाद में एरे लगाएंगे। चलिए मैं दिखा रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ उसको कैसे करना है। तो सबसे पहले तो ठीक है, तो हम दिखाते हैं आपको कैसे बनवाना है। पहले मैं स्केच ले लिया, तो यहाँ पे मैं सेक्शन ले लिया, तो मैं ओके कर दिया। अब कंट्रोल एड कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं दोबारा कंट्रोल अगर आपको घुमाना है तो अपने हिसाब से घुमा सकते हो, जैसे मैं ऐसे करना चाहता हूँ। पेज दबा के भी आप इसको चेक कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्केच बनाऊंगा लाइक कुछ इस तरीके से। तो स्केच को थोड़ा मैं बाहर की तरफ निकाल दूंगा, ठीक है। तो मैं रेंडमली ले रहा हूँ, आप भी ले सकते हो वैसे, ठीक है। जो अंदर कुछ होती है वो निकलने के लिए होती है उसके लिए फ्लाईव्हील में। तो ये मैंने ले लिया यहाँ पे। तो थोड़ा आप बढ़ाना चाहते हो तो इसको बढ़ा सकते हो, आपको लगे तो आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो देख लो लगे इस तरीके से बनाना है आपको,
तो इसको मैं यहाँ से एग्जिट कर दिया। अब मैंने इसको जो है स्वीप कर दूंगा, ठीक है, सिंगल लाइन में स्वीप करूंगा, स्वीप अप कर ले लूंगा मैं। इसके जो डायमेंशन रहेंगे कुछ मैं 6 mm या मैं इसको 5-4 mm का कर दूंगा, 4 mm, ठीक है। मैंने इसको 4 mm कर दिया, तो यहाँ पे मैंने यूनिट कर दिया। आपको यूनिट नहीं करना है यहाँ पे, आप जो यूनिट रहेंगे उसको यूनिट नहीं करना है। तो यहाँ पे मास डीजल को ऑफ कर देना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको इसको साफ करना है। तो हम क्या करेंगे उसके बाद जाके, तो आपको सिंपली जाना है यहाँ पे, इंजन पे जाना है, फिल्टर पे जाना है, कॉम्बाइन में जाना है, ठीक है। साफ कर दो इससे, आप बॉडी से लेके इस बॉडी को साफ कर दो, ठीक है। आपकी बॉडी से साफ होगी, आप यहाँ पे इसको हाथ पे देख लो, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे हो गई चीजों को। हम जो है मेरा जो ये फिश रहेंगे इसको हम एरे लगा देंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे जाके आपको पर्पल लगा देंगे, ठीक है। फीचर्स पे हम सिलेक्ट करेंगे अंदर वाली जो तो जैसे यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो मेरा सब्सट्रैक्ट किया था इसको अभी के लिए मैं हटा दूंगा, ठीक है। दूसरी तरीका दिखा रहा हूँ आपको। फिर हम जाएंगे यहाँ पे सर्कुलर में, तो यहाँ पे जो है फीचर सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। स्वीप सिलेक्ट हो गई, इन सेंटर हम सेंटर ले लेंगे, सेंटर में ये ले लूंगा। कितना लगाना है मुझे, टोटल लगाना है 360 डिग्री में लगाना है, ठीक है। नाम लॉक ऑफ है मेरा, ठीक है। तो मैं इसको 360 कर दूंगा, तो डिवाइडेड बाई इसको मैं कर दूंगा 360, मतलब आपकी 30 डिग्री हो गई है ना। तो जैसा आपको चाहो वैसा लगा लो, 30 मैं थोड़ा कम कर लूंगा, ठीक है। अगर डिग्री बढ़ाना है तो आप डिग्री यहां से बढ़ा सकते हो, जैसे चाहो आप, जैसे आपको लगे। तो यहाँ पे मैं 30 डिग्री कर दूंगा, जैसे आपको ठीक लगे आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे सर्कुलर जो है, यहाँ पे मैंने फिशेस ले लिया है, तो इस जगह में मैं इसको हटा के बॉडी ले लूंगा। डन, आप समझ गए कहाँ पे बॉडी लेना है कहाँ पे फिशर लेना है। आई गेस आपको क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो जहाँ पे दो तीन कमान होता है ना, वहां पे फिशर्स मत लो, वहां पे आप बॉडी ले लो। तो इस केस में आपको बॉडी लेना पड़ेंगे, फिर सिमिलरली हम जाके इसको कंबाइन कर देंगे, ठीक है। तो मैंने आपको दिखा दिया कैसे गलती भी करते हैं, कैसे ठीक भी करते हैं, ठीक है। अब सारे को सिलेक्ट करके सिंपली यहां से सब्ट्रैक्ट कर दो आप, ठीक है। लाइक इस तरीके से आप इसके फ्लाईहिल को बना पाओगे, ठीक है। डन, ये आपका हो गया सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब देखो दोस्तों भाई क्या करना है आपको, ठीक है। तो अब जो बाकी जो रह गई हम इसको हाइड कर देंगे सिंपली। तो यहाँ पे दो दो बार मैंने वहां पे एरे कर दिया था, तो मैंने आपको दिखाया था दो टाइप करके, तो मैं यहाँ पे दो फाइल बन गई। तो मैं इसको ऐसे ऐसे करके सबको हाइड कर दूंगा सिंपली। तब तक मैं हाइड कर लेता, वीडियो वॉच कर देता हूँ आपका, ठीक है दोस्तों। तो हो गया है, तो मैंने आपको एक बार फिशर से करके दिखाया था और एक बार मैंने बॉडी से करके दिखाया, इसलिए दो दो बार आ गई थी। तो हम जिसको सब्ट्रैक्ट कर दिया वो तो हाइड हो गई, बट जो मैंने बॉडी से किया था वो रह गया था, तो मैंने हाइड कर दिया सबको, ठीक है। तो इस तरीके से आप दोनों तरीके से कर सकते हो, ठीक है। आई गेस आपको क्लियर हो गया। बहुत सारा वीडियो मैं इसको सेक्शन काट के देख देता हूँ, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हो सेक्शन में, ठीक है, तो देख पा रहे हो ऐसे। तो इसमें मैंने वो काट दिया है, तो मैं इसको पार्ट को सेव कर लेता हूँ, तब तक मैं नेक्स्ट वीडियो में आ जाता हूँ आपके। नेक्स्ट कंपोनेंट हम बना लेते हैं, तो दोस्तों हम अभी नेक्स्ट कंपोनेंट बनाते हैं। तो मैं नेक्स्ट कंपोनेंट के लिए आपको स्केच बना लेता हूँ, तब तक तो मैं स्केच ले लेता हूँ नेक्स्ट कंपोनेंट के लिए, ठीक है। तो मैं आपको स्केच बना लेता हूँ, फिर आपको मैं डायमेंशन दिखा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आप डायमेंशन देख लो, जिसको भी वीडियो को पॉज करना है तो पॉज कर लो। यहाँ पे चैम्पर लगाया 45 का 2 mm का, ठीक है। सबको डायमेंशन मैंने दे रखा हो, तो जहाँ पे आपको डायमेंशन नहीं मिले तो आप देख लेना। तो इसका रह गई थी 10 mm का रहेगा आपका। तो आई गेस मैंने सबको डायमेंशन कर दिया है, वीडियो को पॉज करके आप डायमेंशन ले लो, फिर हम इसको रिवॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो फिर हम इसको रिवॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये मैंने रिवॉल्व कर दिया है, ठीक है, देख पा रहे हो रिवॉल्व कर दिया मैंने। अब इसके ऊपर जो है मुझे होल करना है, ठीक है। तो हम इसके ऊपर होल करेंगे, तो होल कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में। तो मैं होल की स्केच बना लेता हूँ पहले, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ कहाँ होल करना है, क्योंकि इसमें 3-4 जगह होल करना है, ठीक है। तो वीडियो को अभी पॉज कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली मुझे ये कंपोनेंट बनाना है, तो देख पा रहे हो बहुत सारा होल है, इन साइड आउट साइड दोनों है। तो मैं आपको होल की स्केच बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने स्केच ले लिया यहाँ पे, तो इसको मुझे एरे लगाना है, 3 जगह पे रहेगा ये, ठीक है। जो 4 नहीं करूंगा मैं, 3 करूंगा। तो
तो फिर मैं इसको एग्जिट करके एक्सट्रूड कट कर दूंगा फिर, ठीक है। तो बहुत लोग कमेंट आ रहा था कि सर आप सॉलिडवर्क्स में वीडियो नहीं बनाते हो, एनएक्स में बनाते हो, तो मैंने आज सॉलिडवर्क्स में बना दिया, ठीक है। तो ये मेरा हो गया है। अब मैं नीचे का होल करना है, मैं आपको नीचे का भी होल करके दिखाता हूँ, है ना। तो मैं स्केच बना लेता हूँ, फिर आप पॉज करके देख लेना स्केच कैसे मैंने बनाया, क्या क्या मैंने डायमेंशन लिया है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने स्केच बना लिया, यहाँ पे आप स्केच देख सकते हो। इन दोनों के बीच में जो एंगल रहेंगे 30 डिग्री का एंगल है, तो ऑलरेडी जो स्केच है, जो आपके पीछे वाला स्केच है, इसके ऊपर ही ले लेना आप स्केच, आपको मिल जाएंगे। बाकी इन दोनों के बीच में 15 डिग्री का एंगल रहेंगे, 154 डिस्टेंस पे रहेंगे, ठीक है। तो इसको मैंने एरे लगा दिया, फिर मैं इसको कट कर देता हूँ अभी। अब जो कट करना है ना दोस्तों, तो कितने एमएम का आप एक्सट्रूड करोगे, ठीक है। तो एक्सट्रूड करने से पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कितने का एक्सट्रूड करना है। तो हम जो है इसको 12 एमएम का, तो मैं इसको 12 एमएम कर देता हूँ, रिवर्स 12 एमएम की एक्सट्रूड, सॉरी कट करना है, तो 12 एमएम की कट कर दूंगा मैं इसको, ठीक है। तो मैंने इसको 12 एमएम की कट कर दिया है। अब दोस्तों मुझे क्या करना है, सबके ऊपर चैम्फर लगा देना है थोड़ा थोड़ा सा। तो मैं यहाँ पे चैम्फर लगा दूंगा, जो मेरा इंटरनल होल है इसमें 1 एमएम का मैं चैम्फर लगा दूंगा। तो मैं स्टार्टिंग में भी कर सकता था, जब मैंने इसको वो किया था तभी कर सकता था, बट मैं अभी कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1 एमएम की चैम्फर लगा दिया, डन। तो ये मेरा बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और आई गेस मुझे और कुछ नहीं है, तो ये बन गया है, देख पा रहे हो आप। तो दोस्तों इसमें एक चीज रहेगी, जैसे मेरा यहाँ पे स्लॉट है, अभी स्लॉट में अगर कुछ कुछ चीज फंसेंगे उसको निकलेंगे कैसे, जैसे कोई मेरा कुछ चीज फंसता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो मेरा वो निकलेंगे, जो कोई अगर लिक्विड वगैरह रहेंगे तो कैसे निकलेंगे, तो इसके लिए मुझे वो बनाना पड़ेगा। तो बना लेते हम, तो सबसे पहले इसको मैं प्लेन ले लेता हूँ, कौन से प्लेन में बनाएंगे, ये प्लेन ले लिया मैंने स्केच, तो इसको मैं सेक्शन ले लिया, ठीक है। अब मैं इसको बना लूंगा, तो मैं इसको कंट्रोल एच कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें अपने हिसाब से अगर घुमाना चाहते हो तो अपने हिसाब से घुमा के आप स्पेस दबा के स्पेस दबा लो, और अपने हिसाब से वो आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लास्ट टाइम मैंने किया था वैसे सेम तरीके से करना है। तो यहाँ पे जो होल होगा, मैं यहाँ पे एक रैंडम ले लेता हूँ, ठीक है। तो फिर इसको मैं एग्जिट करके स्वीप कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा कम रखूंगा, 3 के अप्रोक्सीमेटली रखूंगा मैं, ठीक है। जैसे यूनिट होगी, इसको मार्स को ऑफ कर लो, नहीं तो ये यूनिट बड़ी बन जाता है, ठीक है। इसको हम एरे लगाएंगे अभी, चलो मैं आपको एरे लगा के सब्सट्रैक्ट करके दिखाता हूँ कि सेम चीज है, मैं दोबारा बार बार नहीं करना चाह रहा हूँ। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक बार होने के बाद मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया है सबको, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग करके कंबाइन किया मैंने, जो सारे एरे लगाए थे देख रहे हो आप, ठीक है। तो ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो हम दूसरी पार्ट में आते हैं, तो मैं सेव कर लूंगा इसको, अब दूसरी पार्ट में आ जाते हैं हम, ठीक है। तब तक वीडियो को मैं पॉज कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो हम नेक्स्ट पार्ट बना लेते हैं, तो मैं स्केच बना लेता हूँ सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे जाके स्केच ले लेता हूँ, तो मैं फ्रंट प्लेन ले लेता, तो मैं फ्रंट प्लेन ले लेता हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट थोड़ा मेरा अलग है, तो मैं इसमें आपको दिखाता हूँ पार्ट कैसा है, ठीक है। तो मैं आपको पहले पार्ट दिखा देता हूँ, तो ये मेरा नेक्स्ट पार्ट है, तो मैं इसको बनाऊंगा। ये दो पार्ट है, तो मैं एक ही बना लूंगा, फिर दूसरा मेरा ऑटोमेटिकली मिरर मार दूंगा जब असेंबली बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो मैंने फाइल बनाया था, मैंने एनएक्स में बनाया था, तो मैं चाह रहा था कि मैं इसको आपको सॉलिडवर्क्स में बनाऊं, ठीक है। तो मैं इसीलिए सॉलिडवर्क्स में बना रहा हूं इस फाइल को, डायमेंशन है मेरे पास सारे, तो मैं इसको बना लेता हूं, ठीक है दोस्तों। तो मैंने यहां पे स्केच बना लिया है, तो इसको मैं पैटर्न लगा लेता हूं, है ना। तो ये मेरा 6 रहेंगे टोटल, तो 6 रहेगा। तो फिर मैंने इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ, ठीक है। आपको एक्सट्रूड कितना करना है, ठीक है। तो एक्सट्रूड कितना करना है मैं आपको बताता हूँ। तो इसको मैं 12 एमएम का एक्सट्रूड कर दूंगा, ठीक है। फिर इसके ऊपर में आपको स्केच लेना है, फिर से कंट्रोल एट करते हैं, फिर यहाँ पे इसको, जैसे मैंने 6 एमएम का इसको मारा था, तो मैं इसको सबको ना 6 एमएम का यहाँ पे मैं वो मार दूंगा। जैसे आपको दोनों सिलेक्ट करते हो ना, तो यहाँ पे नहीं आता है, तो मैं इसको एरे लगा दूंगा। फिर हम इसको कट कर देंगे सेम एम की, ठीक है, ठीक है। तो मैं इसको जो है हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, और इसकी मैं डायमेंशन कर देता हूँ। जैसे आप
ऑप्शन मारते हो ना तो उसको दुगना हो जाती है, ठीक है ना। तो मैं इसको 12 का रखना है मुझे, क्लियर। तो इसको हम काट करके एक्सट्रूड काट कर देंगे 6 mm की, क्लियर। तो हम 6 mm की एक्सट्रूड काट कर देते हैं, ठीक है। तो मेरा पीस हो गया है। तो थोड़ा सा यहाँ पे चम्फर लगाऊंगा मैं, इंटरनल पार्ट दोनों में 1-1 mm के चम्फर लगाऊंगा, ठीक है। ठीक है, ये मेरा हो गई है। तो आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में मिलता हूँ, ठीक है। इस पार्ट को मैं सेव कर देता हूँ, नेक्स्ट पार्ट में मिलता हूँ। अब जो नेक्स्ट पार्ट रहेंगे मेरा, नेक्स्ट पार्ट मेरा रहेंगे ये वाले पार्ट रहेंगे, ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट ये पार्ट रहेंगे, तो इस पार्ट में मिलता हूँ मैं आपको। तो मैं यहाँ स्केच ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लेके, तो मैं यहाँ पे स्केच बना लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ फिर, ठीक है दोस्तों। तो मैंने स्केच बना लिया है, तो जिसको भी स्क्रीनशॉट ले लो आप पहले, उसके बाद बना लो आप सब कुछ, ठीक है। तो एक्चुअली देखा यहाँ पे, देखो 99.99 है ना, 19.99 है। तो इसमें जो है, हम मैंने जो मेरा जो डिजाइन था उसमें टॉलरेंस वगैरह लेके बनाना था, तो इसमें मैं टॉलरेंस वगैरह डाल के बनाया हूँ, ठीक है। इसमें प्लस माइनस था, तो मैं लेके बनाना है, तो मैंने लेके बनाया था। सब डायमेंशन वगैरह देख लेना, 2.5 का ये रेडियस में है सर्कल, तो इसका 99 होगा, और टोटल जो सर्कल का होगा 159 में है, ठीक है। और ये जो सेंटर सर्कल वाले जो सेंटर है, ये 137 पे है, 45 डिग्री एंगल में, ये 60 वाले एंगल में, 5 डायमीटर में, ये 6 में है। और ये छोटा वाला है 3 का है, दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल रहेगा, ये आपकी अब देख पा रहे हो, 40-60 डिग्री का एंगल रहेंगे दोनों के बीच में, छोटी छोटी वाले के साथ, ठीक है। तो एक ही लाइन पे है आपको, आई गेस सब कुछ हो ही गया। तो मैं इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ 3 mm के लिए, ठीक है। तो मैं इनको 3 mm का एक्सट्रूड कर दिया, देख पा रहे हो, ये मेरा प्लेट बन गई है ना। तो अभी दोस्तों इसमें क्या रहेगी आप देख लो, ये मेरा प्लेट बन गया अंदर। तो अंदर जो है मेरा एक होल था, होल रहेगा, तो मैं इसको स्केच ले लेता हूँ। तो मैं इसके सेंटर ले लेता पहले, ठीक है। तो 135 डायमीटर का मुझे वो बनाना है, ये रहा, दोनों का सेंटर सेम नहीं है, ध्यान रखना सेंटर गलत ना हो जाए। तो ये मैं ले लूँगा 135 की मुझे वो बनानी है, और देख लो ब्लैक है, मतलब सेंटर पे है, ये थोड़ा बाहर था मैंने जब स्केच बनाया था। तो इसको आप काट कर, एक्सट्रूड काट कर दो, ठीक है। तो मैं 3 mm के लिए काट कर दिया, तो ये आपकी बन गई है प्लेट। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। तो मैं दोस्तों यहाँ पे ना डाउनलोड में मैं आपकी फाइल शेयर कर दूंगा डायमेंशन के साथ। मैं अभी जो है सॉलिडॉक्स 17 में काम कर रहा हूँ, मैं इसकी पैरासोलिड फाइल भी डाल दूंगा, जिसको भी डायरेक्ट डाउनलोड करना है वहां से डाउनलोड कर लो आप। डाउनलोड करके इस फाइल के ऊपर आप देख सकते हो क्या क्या बनवाना है, अगर मेजरमेंट चाहिए तो आप ले लेना मेरे से, ठीक है। तो वहां से आप देख के बना सकते हो। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलता हूँ। तो सबसे पहले मैं नेक्स्ट पार्ट के लिए स्केच ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक सेंटर ले लूंगा, तो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखा देता हूँ कैसा नेक्स्ट पार्ट है। ये है मेरा नेक्स्ट पार्ट, छोटी सी कंपोनेंट है, मैं इसको रिवॉल्व करके बना दूंगा और यहाँ पे होल कर दूंगा, ठीक है। चलो स्केच बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ डायमेंशन देख लो, इसको मैंने ऑफसेट कर दिया नीचे की लाइन बना के, ठीक है। तो ध्यान रखना ये आपकी 2.83 होगा, ये वाली पोर्शन जो होगा इस ऑफसेट करना और इसको 2 का ऑफसेट करना, फिर इसको हम रिवॉल्व कर देंगे लाइक, ठीक है। तो हम इसको रिवॉल्व कर देंगे, ठीक। तो मैंने इसको रिवॉल्व कर दिया, अब इसके ऊपर मुझे होल करना है। तो होल करने के लिए मैं सबसे पहले स्केच ले लूंगा, मैं कंट्रोल कर देता हूँ, तो मैं इसके होल कर लेता हूँ अभी, फोर डायमीटर का ले लो आप, और जो सेंटर से डिस्टेंस होंगे 98 के होंगे आपके, ठीक है। अब इसको आप एरे लगा दो, तो हम जो एरे लगाएंगे, तो मैं इसको एरे लगा देता हूँ, टोटल 6 एरे होंगे, ठीक है। तो इसको फिर एक्सट्रूड काट कर देते हैं, ठीक है। तो हमने इसको एक्सट्रूड कर दिया, अब मेरा पार्ट बन गई। अब ये 2 कंपोनेंट है, ऊपर भी लगेगा नीचे भी लगेंगे, तो इसको मैं एक ही बनाऊंगा, फिर बाद में हम इसको मिरर मार देंगे, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है, फिर हम अगली पार्ट में आते हैं। तो हम लोग की जो नेक्स्ट कंपोनेंट है, ठीक है, तो हम नेक्स्ट कंपोनेंट ये वाला बनाने वाला है, सिंपली रिवॉल्व कर दूंगा और यहाँ पे एक की आएंगे, ठीक है। तो मैं वो लगाऊंगा, तो मैं इसको रिवॉल्व कर देता हूँ, सबसे पहले बना के स्केच बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे न्यू स्केच ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं पार्ट कंपोनेंट दिखा के बना रहा हूँ कि आप लोग कन्फ्यूज ना हो, क्योंकि पार्ट इसमें बहुत ज्यादा है, 12-15 पार्ट है, तो हम एक एक करके दिखा के बनाएंगे आपको, ठीक है। तो मैं स्केच बना लेता हूँ सबसे पहले, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो स्केच देख लो आप। तो इसको मैं रिवॉल्व कर दूंगा,
पॉज कर लेना, स्केच ले लेना। मैं वैसे वैसे ही आपके साथ वो भी शेयर कर दूंगा, और जो मेरा फाइल है वो भी मैं शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको मैं रिवॉल्व कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों रिवॉल्व तो मैंने कर दिया यहाँ पे, अब इसमें मुझे एक की मानना है जहाँ पे होल्ड करना है मुझे, तो होल्ड भी कर लेंगे हम। होल्ड के लिए मैं ये वाला लूंगा, कैश ले लूंगा, कंट्रोल एट कर दूंगा। अब मुझे सेंटर पे होल्ड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 4 mm की होल बना रहा हूँ, ठीक है, डायमीटर में है, और ये सेंटर पे है, ठीक है। तो यहाँ से इसमें अप्रोक्सीमेटली 20 होगा आई गेस, क्योंकि ये 40 का आ रहा है, एक बार देख लो आप, कन्फर्म कर लो, ठीक है। तो यहाँ से हम इसकी स्केच को देख लेते हैं डायरेक्ट, जो रिवॉल्व की स्केच है आपकी, इसको मैं एग्जिट करके रिवॉल्व की स्केच को डायरेक्ट देख सकते हो, वहाँ डायरेक्ट मेजरमेंट भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो देख लो यहाँ से आपकी ये जो डिस्टेंस है 44 का है, तो 22 का आ जाएगा, 22 हो जाएंगी, हम इनसाइड ले रहे हैं, तो मैं यहाँ से लूंगा तो 22 का लूंगा, ठीक है। तो फिर यहाँ से मैं 22 का ले लूंगा, ठीक है, सेंटर पे है। अब इसको मैं कट कर दूंगा यहाँ पे सिंपली, तो एक साइड ही करना है मुझे कट, तो मैं कट एक साइड ही कर दूंगा, बोथ साइड नहीं करूंगा, ठीक है। तो एक साइड कर लो, कोई भी एक साइड कर लो आप, जैसे आपको ठीक लगे। तो ये मेरा हो गया है, ठीक है। ये जो कंपोनेंट आएंगे मेरे ऊपर लगेंगे, ठीक है। तो मेरा ये हो गया है, तो इसका अगर कहीं किसी को अगर मेटल वेटल डालना है तो मेटल वगैरह डाल सकते हो आप डायरेक्ट यहाँ से जाके। मैं इसमें जब हम लोग फाइनल असेंबली करेंगे तब मैं डाल दूंगा, तब आपको दिखा दूंगा कैसे मेटल डाल के टेस्टर वगैरह डाल सकते हो आप, वो भी मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो मैं इस पार्ट को सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी जो है हम जो मेन हम लोग के प्लेट है जिसमें हम जो ये रोटेट करेंगे, तो ये प्लेट है, अब हम इसको बनाने वाले हैं। अब देख पा रहे हो यहाँ पे, तो मैं हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी स्केच ले लेता हूँ, एक नया कंपोनेंट ले लेता हूँ, तो मैं स्केच ले लेता हूँ। देखो दोस्तों, मैं कभी कभी ना आपकी जो मेरा ऑब्जेक्ट है, तो मैं इसको डायरेक्ट ओपन करके आपको जैसे यहाँ पे पॉज करके बना रहा हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट बनाने लग जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, ठीक है। तो जो मेन आपके रिलेवेंट पॉइंट है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें, और फाइल में आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसको भी डायरेक्ट डायमेंशन चाहिए वहां से भी ले सकते हो, और यहाँ इस वीडियो को पॉज करके भी आप डायमेंशन नोट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए तो बना लेते हैं इसको। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो स्केच मैंने बना दिया है, जिसको भी वीडियो को पॉज करना है तो डायरेक्ट पॉज कर लो और यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं रिवॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो रिवॉल्व करके आप इसको बनवा दो, ठीक है। अब दोस्तों इसके नेक्स्ट इसमें क्या आता है, इसमें होल है, ठीक है, इसमें आपकी होल है, और ऊपर जो है यहाँ से जो है हम थ्रेड काटेंगे, थ्रेड नहीं बोलते इसको, हम ग्रुप काटेंगे, जिस ग्रुप में आपकी सब जो है रह जाएंगी, तो मतलब बेसिकली यहाँ पे की के काम करेंगे, ठीक है। तो हम बना लेते हैं उसको भी, ठीक है। मैं स्केच बना के आपको दिखाता हूँ, तब तक आप जुड़ी रहिए, ठीक है दोस्तों। तो मैंने स्केच बनवा ली यहाँ पे, आप पॉज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 5 का है, बाकी सब हमने मैंने स्केच बना लिया, फिर एरे कर दिया मैंने इसको, फिर इसको हम एक्सट्रूड कट कर देंगे, ठीक है। तो ये एक्सट्रूड कट जो है आर पर रहेंगे पूरा, ठीक है। तो हमने इसकी एक्सट्रूड काट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा ये बन जाएगा, ठीक है। ये मेरा एक ही पार्ट रहेगा जो नीचे रहेंगे, ठीक है। तो मैं दिखाऊंगा सारे पार्ट कहाँ क्या लगाना है, मैंने पहले वीडियो के स्टार्टिंग में दिखा दिया वैसे। तो जो इंटरनल पार्ट है मैं दिखाऊंगा जब हम असेंबली करेंगे, सारा असेंबली में आप देख पाओगे किसको कहाँ लगाना है बेसिकली, ठीक है। तो मैं इसको पार्ट को शेप कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अभी नेक्स्ट पार्ट मेरा ये रहेगा, जिसके अंदर आपकी बियरिंग रहेंगे एक, तो फिर बियरिंग के अंदर सांप रहेंगे, जो सांप घूमेंगे, ठीक है, जिसमें मैंने एक ग्रुप काटा था इसमें। तो अभी हमको ये पार्ट बनवाना है, ठीक है। हम ये पार्ट बनाएंगे, फिर हम इसके ऊपर जो इसके ऊपर जो कंपोनेंट रहेंगे, बाकी 5 या 6 कंपोनेंट रहेंगे, फिर हम इसकी असेंबली करेंगे, ठीक है। तो मैं इसकी पार्ट बनाता हूँ, तो सबसे पहले मैं स्केच ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको डायमेंशन लेके दिखाता हूँ, फिर आप देख के बना लेना, ठीक है दोस्तों। तो मैंने स्केच बनवा ली है यहाँ पे, देख रहो, ठीक है। तो सिंपली मैं इसको रिवॉल्व कर दूंगा अभी, तो मैं यहाँ इसको रिवॉल्व कर देता हूँ, पॉज करके आप डायमेंशन ले सकते हो, ठीक है, जिसको भी डायमेंशन लेना है। तो क्योंकि एक एक चीज बनाने लग जाऊंगा यार, बहुत लेट हो जाएगी, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो स्केच बन गए ये यहाँ पे, है ना। अब मैं इसमें यहाँ पे होल करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्केच लेके होल कर देता हूँ, कंट्रोलेट। तो हम देखना वीडियो में बियरिंग कैसे बनाती है, वैसे बियरिंग मिल भी जाते हैं, मैं दिखा लूंगा कैसे बियरिंग लाओगे, कैसे आपके फाइल सेट करोगे, मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में।
ठीक है, तो मैं इसको कंट्रोल ए कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर सर्कल बना लेता हूँ। तो मैंने ये बना दिया है और इसको मैं एरे लगा देता हूँ। ठीक है, 6 लगाने टोटल। ठीक है, तो ले लिया। अब इसको मैं काट कर दूंगा। ठीक है, 10 का ही था आई गेस। ठीक है, तो 10 की मैंने कट लगा लिया है। तो ये मेरा हो गई। अब इसके ऊपर बियरिंग वाले पार्ट बनवाने हैं। ठीक है, और कुछ कुछ आइटम आपको बनाना है जो हम बनाएंगे इस वीडियो में ही। ठीक है, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो दोस्तों, जो मेरा नेक्स्ट कंपोनेंट है शाफ्ट है, तो जो बियरिंग रहेंगे हम बियरिंग डायरेक्ट यहाँ से इम्पोर्ट कर लेंगे। तो मैं बता दूंगा कैसे यहाँ से इम्पोर्ट कर सकते हो आप बियरिंग, इसको एड इन करके। तो मैं बता दूंगा, जैसे हम मैट्रिक पे लेना है तो मैट्रिक में लाके हम जाके बियरिंग में जाके कौन सी चाहिए, मुझे बॉल बियरिंग चाहिए तो मैं बॉल बियरिंग ले लूंगा, या रोलर चाहिए, जैसे चाहिए हम इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, बता दूंगा कैसे साइज वगैरह डिफाइन करते हैं, कैसे लोकेट करते हैं, डिसलोकेट कैसे करते हैं, हम सब बता दूंगा मैं आपको इसमें। तो सबसे पहले ये बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं स्केच ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ एक स्केच लेके पहले तो मैं रिवॉल्व करूंगा। ठीक है, तो मैं स्केच बना लेता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ वीडियो। मैंने स्केच लिया एक, इसको मैं फिर एक्सट्रूड कर देता हूँ। ये 200 mm तक एक्सट्रूड करना है। ठीक है, तो एक साइड में आपकी चैम्फर रहेगा, तो मैं इस साइड चैम्फर लगा दूंगा। ये सब मैं बाद में भी कर सकता हूँ, चैम्फर वाले जो काम होती है मैं बाद में भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ना इसकी एंड मुझे डिफाइन करना था कि मुझे गलती ना हो कि मैं इसलिए डिफाइन कर दिया। अब यहाँ से मुझे कट लगाना है। ठीक है, मैं कट लगा कर स्केच बना लेता हूँ आपकी। यहाँ पे 25 का स्केच बना लिया। ठीक है, इसको मुझे 22 mm तक एक्सट्रूड करना है। ठीक है, 22 mm तक एक्सट्रूड करना है। ठीक है, अब मुझे इसके ऊपर एक वो बनवानी है, जो मैंने पहले जो मैंने स्केच बनाया था, फिर उस स्केच को मुझे इसके ऊपर बनाना होगा। ठीक है, तो मैं स्केच बना लेता हूँ, फिर इसको हम काट कर देंगे, यहाँ तक काट कर लेंगे हम इसको। तो मैं पहले स्केच बना लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ स्केच बना लिया मैंने। अब पॉज कर लो वीडियो को, स्क्रीनशॉट ले लो या बना लो आप, है ना। तो ठीक है, बना लिया मैंने। तो यहाँ पे इसको मैं एक्सट्रूड कर दूंगा। मुझे एक्चुअली क्या करना है, मुझे बाहर वाली पोर्शन काटना है, तो मैं इसके लिए एक दो और सर्कल लूंगा, तभी मैं ये वाला पोर्शन काट पाऊंगा। ठीक है, तो ये तरीका लगाना पड़ेगा आपको। तो मैं इसको नीचे वाले से जो है 50 mm तक ले जाऊंगा, तो मैं इसको 50 काट लूंगा, तभी मेरा ये वाली पोर्शन बन जाएगी, है ना। ठीक है, तो मेरा ये वाला पोर्शन तभी बन पाएंगे जब आप ये काम करोगे। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा बन गया है। ठीक है, तो इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो दोस्त नेक्स्ट जो मेरा कंपोनेंट है ये है। जैसे हम इसको पुश करेंगे तो यहाँ पे वो करते हैं, पैसा क्रिएट करते हैं क्लच में, तो ये कंपोनेंट बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं स्केच ले लेता हूँ सेम, है ना। तो उसके बाद जो है मैं अभी यहाँ पे वाले पेन ले लिया, तो मैं पहले स्केच बना लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ सेम। ठीक है दोस्तों, स्केच मैंने बना लिया है यहाँ पे। अगर देखो कहीं पे अगर कुछ गड़बड़ी हो, मतलब कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो वहां पे आपको क्या करना है, पहले आप सर्किल बनाना है ना, फिर टेंजेंट टेंजेंट करके बना देना। ठीक है, तो मैंने इस हिसाब से ड्रॉइंग को बनाया कि देखो यहाँ पे जो मेरा सर्किल है वो ब्लैक करके रखा हूँ, फिर टेंजेंट टेंजेंट करके आप बना सकते हो। जैसे दोनों सर्किल बना दे, फिर टेंजेंट लाइन ले लिया इतने का। ठीक है, दोनों सर्किल बना लिए, सर्किल का सेंटर पॉइंट आपको यहाँ मिल जाएंगे, डायमेंशन दे रखा हो दोनों का, सेंटर बना लो फिर टेंजेंट कर दो। सेम इसी तरीके से बना सकते हो, ये लाइन इतने का बनाना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ से ये बना लिया, इसको आप एक टेंजेंट से एक लाइन बना दो, फिर वहां के बाद आपको ये मिल जाएंगे कितना डिस्टेंस में है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पॉइंट कितने डिस्टेंस में है, कितने हाइट में है, आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपका तो काम हो ही गया, 70% आपका काम हो ही गया, फिर आपको सारे कुछ मिल जाएंगे। अब इसके बाद आपको करना क्या है, इन दोनों को मिला के लाइन बनाओगे, ये वाला लाइन इस पॉइंट मिल गया, तो एक स्ट्रेट लाइन जाएंगे 19.41 का। फिर उसके बाद ये लाइन सीधा ले लो, फिर इसके बाद एक लाइन जो है स्ट्रेट बना दो, फिर इसको एंगल ले दो, बाकी काम आपके हो गया। फिर इसको ऑफसेट मान के बनाना है, तो सिंपली आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लेना, पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके डायमेंशन बना लो, बन जाएगा, कोई टफ नहीं है। बहुत सारा ऐसे स्केच होती है ना, ऑलरेडी मैंने स्केच बना रखा है जो कॉन्स्टेंट वगैरह यूज करके, तो ऐसे भी ड्रॉइंग बनेगा इस तरीके से भी। ठीक है, तो मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ यहाँ से एग्जिट करके। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको एक्सपोर्ट करके बना लेता हूँ। तो इसको 10 mm करना है, तो मैं 5 mm अदर करूंगा, तो डायरेक्शन 2 में 5 mm करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी थोड़ा काम है। ठीक है,
तो मैं ले लिया 5-5 mm की। फिर उसके बाद मैं इसको इसको शो कर लूंगा, तो मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे कॉन्टूर ले लूंगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे कॉन्टूर लेना, यहाँ मिलेंगे कॉन्टूर टूल। फिर मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करके जो मेरा अंदर वाली पार्ट है तो उसको मुझे कॉन्टूर लेना है, ठीक है। ओ थिन फीचर ऑफ है, ऑफ कर लो आप इसके, आप कॉन्टूर लेना है। अगर आपको ऐसे कॉन्टूर नहीं मिल रहा है तो आप इसको हाइड कर लो, जो आपकी स्केच है इसको पहले हाइड कर लो, ठीक है। फिर डायरेक्ट आपको कॉन्टूर मिल जाएंगे राइट क्लिक करके। अब यहाँ से भी जैसे मैंने स्केच को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऑफ कर दो, जो ये ऑफ है इसको ऑफ कर लो। उसके बाद अंदर वाले सिलेक्ट कर लो लाइक इस तरीके से, तो थिन फीचर को ऑफ करके अब इसको जैसे मेरा ये 8 mm ज्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, 8 mm की इधर मारेंगे तो डायरेक्शन 2 में मैं 8 mm ज्यादा उधर मारूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो। दूसरा तरीका क्या था, इसमें मुझे और एक स्केच बनाना है तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, ठीक है, बाद में हम इसको यूनिट कर देंगे। तो मुझे यहाँ पे भी एक स्केच बनाना है जो मेरा भरेंगे, तो मैं इसको भी बना लूंगा। तो फिर सिमिलरली मुझे यहाँ पे भी बनाना है तो मैं यहाँ पे स्केच ले जाता हूँ कंट्रोल 8 का। तो जो मेरा सर्कल है तो यहाँ पे एक स्केच बना दिया मैंने, तो मुझे सेंटर पे बनाना था, ठीक है, तो मैं इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ, ठीक है। 12 है तो ऑलरेडी मैंने 5-5 किया था तो मैं यहाँ पे 2 mm करूंगा और इस साइड में हम 10 mm कर दूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा 1 mm की, ठीक है, और यहाँ पे मुझे 11 mm करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मेरा वो बनेगा, ठीक है। तो मैं सारे स्केच को हाइड कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। अब फिर उसके बाद आपको सारे जो आपके कंपोनेंट है इसको कंबाइन कर दो, ठीक है, ऐड कर दो सारा कंपोनेंट को, ठीक है। तो हमने आपका ये जो कंपोनेंट था वो बन गया है, ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक सर्कल है जिसके अंदर साफ जाएंगे तो वो भी बनाना है, तो ये कुछ बनेंगे मेरा 12 का, ठीक है। तो इसको एक्सट्रूड कट करके मैं इसको एक्सट्रूड कट कर दूंगा, ठीक है, तो मैं इसको कट कर दिया, तो ये मेरा बन गया। इसको मैं अभी सेव कर लेता हूँ फाइल को। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है मेरा ये बनेगा, जिसके अंदर जो भी जो मैंने बनाया था जिसके अंदर होल्ट है तो ये पास जाके ये लॉक कर देंगे इसको बाहर निकलने के लिए। तो यहाँ पे एक अलग से साफ बन जाएंगे जिसके अंदर ही घुस जाएंगे, ठीक है। तो बना देते हैं इसको सबसे पहले, है ना, साथ में हम इसको असेंबली में कर लेंगे, दोनों एक पार्ट को एक में कर लेंगे। अगर अलग अलग करना है तो अलग अलग कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले एक सर्कल बना देता हूँ, है ना, दो सर्कल बना देता हूँ, ठीक है, दोनों का डायमीटर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो हम इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं, तो मैं ऐसा डायरेक्ट नहीं करूंगा, कॉन्ट्रोल से करूंगा, तो मैं कॉन्ट्रोल टूल यूज करूंगा। तो ये जो मेरा एक्सट्रूड होंगे ये मेरा रह जाएंगे 42 का, ठीक है। अब जो मेरा दूसरा वाला एक्सट्रूड होंगे रिवर्स डायरेक्ट हो जाएंगे, ये हो जाएगा मेरा 3 का, ठीक है। तो दोनों को मैं यूनिट कर दिया। अब उसके बाद मैं स्केच को हाइड कर देता हूँ और यहाँ पे मुझे चैम्फर लगाना है ना, ठीक है, 2 का मैंने चैम्फर लगा दिया। तो यहाँ पे मुझे होल भी करना है तो मैं होल भी कर लेता हूँ साथ में। होल करने के लिए मैं ये वाला प्लान लूंगा कंट्रोल 8। एक्चुअली दोस्त मैं मेरे पास अभी पार्ट भी है तो मैं पार्ट को देख देख के कुछ कहीं पे मुझे कुछ कुछ पार्ट में देख करके मुझे बनाना पड़ रहा है, तो मैं पार्ट को देख देख के भी बना रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पे मेजरमेंट है मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, कुछ कुछ मेजरमेंट जो इंटरनल मेजरमेंट है वहां पे मैं देख के बना रहा हूँ, ठीक है। तो कभी कभी मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे वहां पे मेजरमेंट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको 6 की जगह में मैं इसको 7 कर लेता हूँ, तो 7 mm डिस्टेंस में मैं इसको होल करूंगा ये आर पर, ठीक है। तो इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ, या आप बाद में भी बना सकते हो, अलग से बना के भी असेंबली कर सकते हो आपको जैसे ठीक लगे, ठीक है। तो बाद में करना है बाद में भी कर लेना, आपकी मर्जी जैसे आपको ठीक लगे। तो मैं एक बार में कर देता हूँ, नहीं तो एक पार्ट और लंबा हो जाएगा अपने को, है ना। तो अब वैसे तो हम बात अलग से ही करेंगे दोनों पार्ट को, मैं एक साथ कर दे रहा हूँ क्योंकि नहीं तो फिर मुझे ये छोटे छोटे कंपोनेंट असेंबली में ढूंढना पड़ेंगे तो फिर कंपोनेंट लंबा हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं दोनों को एक बार में बना लिया यहाँ पे, जैसे मुझे लग रहा है एक पार्ट कम है एक ज्यादा है, तो हाँ जी हाँ इसमें 9 है इसमें 10 है, तो हम 10-10 कर लेते दोनों को, 20 mm की वो कर लेता मैं, ठीक है। तो इस पार्ट को मैं सेव कर लेता हूँ। फिर नेक्स्ट हम लोग का जो है वाशर बनवानी है, ठीक है, तो वाशर भी बना लेते हैं साथ में ही।
तो उगासर बनने बनाने के लिए मैं दो सर्कल बनाऊंगा यहाँ पे स्केच लेके। तो मैं सिंपली यहाँ पे स्केच ले लिया, दो सर्कल बना दूंगा, ठीक है। एक तो मेरा 23 डायमीटर का था और दूसरा मेरा था 13 के अप्रोक्स, 13-12 था, तो हम थोड़ा टॉलरेंस ले लेंगे और इसको मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ, ठीक है, 3 mm के लिए, ठीक है। अब इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ फाइल को, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ मेरा फोल्डर पे, तो इसका वॉशर करके मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब जो हम नेक्स्ट कंपोनेंट में आते हैं, ठीक है, तो अभी नेक्स्ट कंपोनेंट हम लोग का नट है, तो हम नट भी बना लेते हैं। वैसे तो मिल जाता है यहाँ पे लाइब्रेरी में, तो एक्चुअली क्या है मेरा यहाँ पे डिजाइन लाइब्रेरी मैंने डाला नहीं है, टूल बॉक्स में मेरा चल रहा है, तो टूल बॉक्स में मेरा कुछ कुछ वायरिंग वायरिंग मिल जाती है, तो मैं बना ही लेता हूँ उसको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्केच ले लूंगा इसका भी, है ना, तो मैं डायमेंशन कर लेता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ इसको, ठीक है। तो मैं डायमेंशन ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वो बना लिया है, ठीक है। तो हम इसको जो है एक्सट्रूड कर देंगे, तो मैं इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ सिंपली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक्सट्रूड कर दूंगा इसको 8 mm की, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इसको जो है नीचे का जो है सर्कल बनाना है मुझे यहाँ पे, तो सर्कल बना के मैं, ठीक है, यहाँ पे हम कर देंगे इसकी एक्सट्रूड कर दूंगा 16 mm की, तो ये मेरा बनेंगे 10 mm की, 10 mm की बनेंगे, ठीक है। तो ये 16 mm का मेरा एक्सट्रूड हो जाएगी, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मैं थोड़ा चम्फर लगा लूंगा, ठीक है, जो मैं 1 mm के चम्फर लगा ले रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा ये बोल बन जाएंगी, और उसके ऊपर मुझे इसकी कट लगाना है, तो कट लगाने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या तरीके से आप बना सकते हो। वैसे जब मैं पहले पहले डिजाइन कर रहा था, 2012 की बात है, तो वहां पे एक कैंपस में एक कंपनी आई थी, ठीक है, साउथ की है कंपनी, तो उस केस में क्या एक बोल्ट बनाने दिए थे, ठीक है। तो सभी ने बोल्ट बनाया था, बट सभी का एंगल जो है ना गलत था, तो एक ही बंदे ने बनाया था उस टाइम, तो उस बंदे की जो है ना जॉब लग गई उसमें। तो जब भी बोल्ट बनाओगे ना, आपको प्रॉपर तरीका पता होना चाहिए जब बोल्ट वगैरह बनाओगे, ठीक है। तो कंपनी जो है, आपको लगती है कि छोटी छोटी चीजें है, बट कंपनी जो है आपको हर चीजें आपको देखते हैं, आप कैसे बना रहे हो, आपके अप्रोच क्या है, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए जब भी आप बनाओगे डिजाइन वगैरह, पता कर लो कैसे क्या होना चाहिए, तो उस तरीके से हम बनाओगे आप, ठीक है। तो देखो किस तरीके से बनाना है। तो मेरा एक सीनियर थे, तो उस टाइम वो सीनियर था मेरा, तो उस बंदे ने बना दिया था जल्दी, तो उसका जो है सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। तो हम जो है इसको रिवॉल्व काट कर लेते हैं, अब देख लो सब तरीके से काट हो रहा है कि नहीं, अगर नहीं हो रहा था फिर आपको दोबारा बनाना पड़ेगा, देखो नहीं सही नहीं बन रहा है, तो इसको आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो वैसे लाइब्रेरी में मिल जाता है, बट बना जो चीज बनवाना है तो वो बना ही लो आप, लाइब्रेरी मिलने वाली वो अलग हो गई, ठीक है। तो मैं इसको कोइंसिडेंट को हटा देता हूँ यहाँ से, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आप कोइंसिडेंट हटा दो, ठीक है। तो मैं कोइंसिडेंट हटा देकर इसको बाहर खींच सकता हूँ लाइक, फिर इसको भी मैं इसका भी कोइंसिडेंट हटा सकता हूँ, अगर ऐड करना है तो अगर ऐड रिलेशन में भी जाके आप ऐड कर सकते हो, अगर हटाना है तो भी हटा भी सकते हो आप, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं लाइक किस तरीके से बनाए, थोड़ा और कम करना पड़ेगा आपको, नीचे जो आपकी स्केच बन रही है तो स्केच को थोड़ा कम करना पड़ेगा आपको, कंट्रोल एट कर दो इसमें, कंट्रोल एट करके आप देख लो स्केच को कैसे बन रहा है, थोड़ा सा नीचे ले आते हम, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आएंगे आप। तो इस तरीके से आप, मैं एक बार स्केच पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से बनवाना है, ठीक है। तो इसको कुछ इस थोड़ा सा कॉर्नर ले लेते हैं, ज्यादा हम नहीं लेंगे, थोड़ा ले लेते हैं, और पहले देख लो अब मेरा एज में है कि नहीं, मेरा सेंटर पे है, तो थोड़ा कम लूंगा फिर भी ये काट देंगे साइड में, है ना, तो ज्यादा नहीं लेना है, बस ठीक है, ये हम ले लेते हैं, थोड़ा सा कॉर्नर ले लिया, वो इसको काट कर देते हैं, ठीक है। तो बोल्ट बन गई है, तो ये तरीका होना चाहिए, 35 डिग्री का एंगल बनता है, ये क्वेश्चन में पूछते भी है, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन पूछते हैं, लास्ट टाइम पूछे भी थे उन बंदे को, तो मैं सेव कर लेता हूँ इसको, ठीक है। तो हम लोग की जो है ये बोल्ट बन गई है, ठीक है, तो बोल्ट हो गई हम लोग की,
अभी जो इसको मैं सेव कर दिया है, अब दूसरी पार्ट बनाते हैं हम। ठीक है दोस्तों, अब जो हम नट बनाने वाले हैं तो अभी नट बना देंगे। तो चलिए नट बना लेता हूँ पहले। गैस लेके मैं छोटी छोटी कंपोनेंट थे, अभी तीन चार कंपोनेंट बाकी है, जल्दी जल्दी बनाना है इसको, फिर हम जो है इसकी असेंबली कर लेंगे। ठीक है मैं स्केच बना लेता हूँ, लंबा ना हो वीडियो, असेंबली भी बाकी है, एक घंटे से ऊपर चले जाएंगे वीडियो। स्केच बना लिया मैंने, ठीक है आप देख लेना पॉज करके। फिर इसको मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ 8 mm की, 8 mm की एक्सट्रूड करना है। फिर मुझे यहाँ पे रिवॉल्व वो काट मारने हैं जो हमें पहले किए थे। ठीक है कंट्रोल एक कर दे, तो सेंटर पे है, थोड़ा सा ही ले लेंगे हम। प्रॉपर तरीके से करना है तो आप प्रॉपर तरीके से कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे, बस जो एंगल बनता है वो ध्यान रखना आप। और यहाँ पे एक सेंटर लाइन लेके उसको रिवॉल्व कट कर लेंगे। ठीक है देख लो कैसे बन रहा है आपकी, देख रहे हो यहाँ पे जो है टच हो रहा है, तो इसको बाहर ले जाना पड़ेगा आपको। स्टार्टिंग में पता नहीं लगता, अगर ऊपर से देखोगे तो थोड़ा बहुत पता लग जाता है, जैसे आप देखो यहाँ पे टच हो जाएंगे, यहाँ पे टच हो जाएंगे, इसको बाहर निकालना है तो स्टार्टिंग में पता नहीं चलता है, तो थोड़ा हम बाहर की तरफ खींच दो आप ऐसे, तो थोड़ा इसको मैं नीचे की तरफ ले आता हूँ और इसको मैं इस तरीके से खींच देता हूँ। ठीक है थोड़ा सा बस इसमें टच हुआ, कंट्रोल एड कर देते हैं। ठीक है तो इसका स्केच बना लिया, अपने हिसाब से आप लेना ना, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, तो इसको मैं काट कर देता हूँ। ठीक है तो मेरा ये नट बन गया, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों अब बोल्ट बन गया है मेरा, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो अभी जो हम बनाएंगे, ठीक है इसकी जो अंदर लगने वाला है वो हम बनाएंगे अभी नेक्स्ट पार्ट में। चलिए मैं स्केच बना लेता हूँ इसका पहले। ठीक है दोस्तों स्केच बन गई, तो इसको हम जो है मैं इसको वो कर लेता हूँ, है ना, तो डायरेक्ट नहीं करना है, कंट्रोल लेके करना है, क्योंकि दो स्केच है इसमें। तो ये वाली को मैं सिलेक्ट करके 35 mm कर दूंगा। ठीक है और जो अंडर वाली स्केच है इसको मैं, ठीक है राइट क्लिक करके कंट्रोल कर लो आप, कोई अगर इश्यू हो तो स्केच को शो कर लो। तो फिर इसको हम 85 का कर देंगे। ठीक है तो और दोनों मेरा वो हो गया, अब इसको मैं हाइड कर दूंगा स्केच को। फिर यहाँ पे मैं सिंपली शैम्फर लगा लेता हूँ। ठीक है बोथ साइड मैंने शैम्फर लगा दिया है। ठीक है तो बोथ साइड मैंने शैम्फर लगा दिया, फिर यहाँ पे मुझे स्केच लेके कंट्रोल एड कर देना है। तो यहाँ से छोटा सा मुझे एक वो लगाना है, की लगाना है, तो मैं यहाँ पे की लगा लूंगा 2 का। ठीक है तो मैं की लगा के एस से मैं डायमेंशन कर देता हूँ इसको, कुछ 5 mm की डिस्टेंस दे देता हूँ मैं इसके। ठीक है फिर इसके कर देता हूँ। ठीक है तो इसमें भी 10-10 mm की एक्सट्रूड कर लेता हूँ बोथ साइड। ठीक है तो मैं दोनों एक साथ ही कर रहा हूँ, अगर आप अलग अलग करना चाहते हो तो अलग अलग कर लेना, असेंबली उसमें असेंबली कर लेना आपको। ठीक है तो यहाँ पे टेंशन प्लेन लेना, प्लेन फिर उस प्लेन की डिस्टेंस लेके दोनों को कोइंसिडेंट कर देना, तो ये हिलेगा नहीं फिर। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ये बन गया मेरा। ठीक है तो मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है दोस्तों तो नेक्स्ट पार्ट जो है मेरा ये है, तो मैं इसको बनवाना है अभी, इसको मैं एक बार में रिवॉल्व करके बना दूंगा। तो मैं स्केच ले लेता हूँ, है ना, मेरा मेमोरी क्रिटिकली लो दिखा रहा है क्योंकि 3-4 फाइल ओपन हो रखा है। ठीक है तो मैं इसको सबको काटना पड़ेगा तब ये हट जाएंगे। ठीक है तो मैं यहाँ पे प्लेन ले रहा हूँ। ठीक है तो मैं स्केच बना लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों तो मैंने स्केच बनवा ली यहाँ पे, तो मैं इसको रिवॉल्व कर देता हूँ। ठीक है तो मैं इसमें सिंपली रिवॉल्व कर दिया। ठीक है तो ये जो ऊपर सपोर्ट वाला कैप है वो भी बन गया मेरा, तो मैं कैप को सेव कर लेता हूँ। ठीक है ठीक है दोस्तों तो मेरा कैप बन गई, अब मेरे बनाना है स्प्रिंग। ठीक है ना जिसमें आपके जो क्लच है अप एंड डाउन होगा, तो हम जो है स्प्रिंग बनाएंगे। ठीक है तो चलो स्प्रिंग बना लेते हैं। ठीक है तो पहले मेरा स्प्रिंग कितना डायमीटर का है क्या है मुझे देखना है, उसके बाद हम स्प्रिंग बनाएंगे इसकी। तो इसमें जो मेरा कितना पिच आ रहा है ना,
इतना एन है ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा हो, जिसको भी बनाना है पूरा कैसे कि स्प्रिंग बनाते हैं, क्या क्या पैरामीटर देखते हैं, क्या क्या मेथड होना चाहिए, लास्ट वीडियो में जाओ स्प्रिंग के ऊपर सारा कैलकुलेशन के साथ न्यूमेरिकल करके आपको सिखाया हो कैसे बनवाना है, तो इससे ज्यादा और कहीं मिलेगा नहीं आपको, वहां से जाके आप डायरेक्ट देख सकते हो। ठीक है, तो मैं इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं जल्दी जल्दी बना दूंगा, जिसको पूरा R&D करना है वहां पे जाके देख सकते हैं। तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मुझे हेलिक्स बनवाना है, ठीक है, तो उसके बाद जो है हम वो बना देंगे। तो ठीक है, तो मैं सिंपली जाके यहाँ पे हेलिक्स बनाऊंगा, फिर मैं उसके बाद आपकी जितना भी जो है हम बनाएंगे। तो हेलिक्स में गया, तो मेरा जो हेलिक्स जो मेरा टोटल मैं यहाँ पे हाइट लूंगा, हाइट जो होगा मेरा 50 mm की हाइट होंगे, ठीक है, और जो रिवोल्यूशन होगा मैं रिवोल्यूशन थोड़ा बड़ा लूंगा, ठीक है, जैसे आप देख ही पा रहे हो इसमें कितना रिवोल्यूशन है, आप यहाँ पे डायरेक्ट जाके आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कितना रिवोल्यूशन क्या लेना है, तो मैं इसको अभी के लिए ओके कर ले आऊँ, फिर मैं आपको रिवोल्यूशन वगैरह दिखा दूंगा। जैसे आप देख पा रहे हो इसमें 6 रिवोल्यूशन है, तो हम 6 लेंगे यहाँ पे भी, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया है। स्टार्ट एंगल वगैरह आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो आप। फिर जो है हम इसको स्वीप कर देंगे, ठीक है, तो मैं सर्कुलर प्रोफाइल वाला लूंगा यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट करके, तो यहाँ पे मैं 5 mm या 6 mm जितना भी लेना है आप डायरेक्ट ले सकते हो, मैं 5 का ले रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा ये स्प्रिंग बन जाएंगे। अब मैं हेलिक्स को हाइट कर दे रहा हूँ, तो ये मेरा बन गया है, ठीक है। तो दोस्तों मैं इसमें 4 mm कर दूंगा, क्योंकि 5 mm करूंगा तो अंदर के साथ मेरा ओवरलैप हो जाएंगे, तो मैं 4 mm ही कर देता हूँ इसको, ठीक है ना, मैं 4 mm कर दूंगा इसमें, तो मेरा स्प्रिंग बन गया है। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अगर इसमें N/2 करना है, आपको N/2 करना है तो आप कर सकते हो, उसके लिए कुछ करना नहीं है, यहाँ पे आपको प्लान लेके इसको ट्रिम करना होगा। कैसे ट्रिम करेंगे, ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसको काट कर सकते हो यहाँ पे स्केच लेके भी, ठीक है, तो मैं स्केच लेके काट करके दिखाता हूँ आपको। फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड होता है, जो लास्ट क्लास में वीडियो नहीं देखा वो जाके देख लो, वहां पे मैं न्यूमेरिकल भी करवाया आप लोग को, ठीक है, वहां पे जाके देख सकते हैं जिसको भी करना है। तो जैसे हम 50 mm के लिए थे, तो हम यहाँ पे 50 mm के गैप में एक प्लान ले लेंगे लाइक, फिर यहाँ पे सेम सिमिलरली एक स्केच लूंगा, फिर इसको मैं N/2 में कर सकता हूँ, स्क्वायर एन करते हैं ना, जिसको हम मैथमेटिकल टर्म में, जैसे आप टेक्निकल टर्म में स्क्वायर एन बोलते हैं, तो उसको आप स्क्वायर एन करके भी कर सकते हो, ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, सॉरी, जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर लिया, मेरा स्प्रिंग जो है बन गया है। अब मैं दूसरी में जाता हूँ, दूसरी पार्ट में जाऊंगा अभी। अब जो है हम लोग की नेक्स्ट कंपोनेंट है, तो ये है, तब ये जो कंपोनेंट है थोड़ा पहले उसका अलग एक कंपोनेंट था, दोनों देख के आप ऐसे मत करना कि मैंने दोनों बना लेंगे, दोनों बनाना है आपको, दोनों अलग अलग डायमेंशन का है, ठीक है, तो हम इसको बना लेते हैं सिंपल, एक बार में बना जाएंगे, रिवॉल्व करके बन जाएगी। तो मैं स्केच ले लेता हूँ, एक्सट्रूड से भी बना सकते हो, आपकी मर्जी, जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है, तो मैं बना लेता स्केच बना लेता पहले, ठीक है, तो स्केच बना लिया मैंने, अब इसको मैं रिवॉल्व कर लेता हूँ, वीडियो पॉज करके आप स्केच देख लेना। तो रिवॉल्व कर लेते हैं सिंपली इसको, ठीक है, बस बन गई आपकी ड्राइंग, सेव कर लेते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग का ये कंपोनेंट रहेंगे, तो ये हम लोग बना लेते हैं, दोनों पार्ट को लगाने के लिए काम आता है ये पार्ट, तो हम इसको भी बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं स्केच बना लेता हूँ इसका भी, है ना, तो जितना हो सके वीडियो को कम करना है, तो आप जाके स्केच लेके आप देख लेना, जो भी आपको जिस तरीके से आपको चाहिए आप जैसे डायरेक्ट जाके देख सकते हो, कोई वो नहीं है, मैं स्केच बना लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मैंने स्केच बना दिया यहाँ पे, आप देख के बना लो स्केच को। तो फिर सिंपली मैं इसको अभी के लिए रिवॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, तो स्केच लेके आप रिवॉल्व कर दो, ठीक है, तो ये बन गया मेरा, सेव कर लेते हैं इसको। फिर ऐसे दो पार्ट और है छोटी छोटी साइज में, तो ये बड़े साइज में है, हम इसको भी बना लेंगे साथ में एक साथ करके, ठीक है दोस्तों। तो हम नेक्स्ट रेबिट बना लेते हैं, तो ये थोड़ा अलग साइज में है, लेंथ ज्यादा है इसका बस, ठीक है, तो मैं इसको भी बना लेता हूँ। तो हम एक एक करके सब बना लेंगे। अब और चार्ट में एक दो रेबिट और है, तीनों बनाने के बाद हम बियरिंग बना लेंगे, फिर हम असेंबली में चले जाएंगे, ठीक है, तो मैं स्केच बना लेता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है ना। तो ये हमको जो मैंने छोटी छोटी वाले स्केच बना लिया, आपने देख के बना लो आप भी, तो इसको भी मैं रिवॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, तो ये हम रिवॉल्व कर देते हैं, ठीक है।
तो ये रिवॉल्व कर दिए, तो इसको हम भी सेव कर लेते हैं, फिर दूसरी पार्ट में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो नेक्स्ट है हम लोग की स्मॉल वाला रिवेट किया है, तो मैं इसको बना लेता हूँ इसका भी स्केच लेके, तो स्केच ले लेते हैं इसका भी। ठीक है तो मैं स्केच बना लेता हूँ, फिर आपको देख लेना। मैंने बना दिया है, सॉरी मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया आपको दिखाने से पहले। देख लो डायमेंशन है आपकी, स्केच मैंने बना दिया है, तो इसको जो है हम रिवॉल्व कर देते हैं इसको भी। ठीक है तो हमने रिवॉल्व कर दिया। ठीक है तो इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ, फिर लास्ट जो रहेंगे हम उसको बना लेते हैं सबसे लास्ट वाला। तो नेक्स्ट जो कंपोनेंट है लास्ट वाला, तो ये अलग साइज में है, तो इसको भी बना लेते हैं हम, है ना। तो इसको भी मैं स्केच लेके बना लेता हूँ, तो ठीक है तो इसको भी बना लेते हैं। तो मैं स्केच बना लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमने बना दिया है, अब इसमें रह गई बस लास्ट वाला हो गई, फिर हम जो है, ठीक है तो ये भी बना लेते हैं। तो मेरा सारा वो कंपोनेंट बन गई है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब लास्ट हम लोग की बियरिंग ले गई, रह गई। ठीक है अब जो लास्ट है हम बियरिंग बनवाना है। ठीक है तो मैं इस बियरिंग को बना देता हूँ, अपने हिसाब से बियरिंग बना रहूंगा दोनों को। ठीक है तो सारा पार्ट हो गई है, अब बियरिंग बना लेते हैं। मैं वैसे डायरेक्ट यहाँ से भी आप सब इम्पोर्ट कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ से मैंने आपको बता दिया है कैसे इम्पोर्ट करना है। ठीक है तो किसी में अगर आपको दिखा देता हूँ एक डेमो लेके, फिर मैं बना भी देता हूँ, आपका दोनों काम आ जाएंगे। जैसे मैंने ये, ठीक है अगर यस करोगे तो ये अलग से पार्ट आएंगे, नो करोगे तो इसके डायमेंशन मिल जाएंगे, रीड ओनली करोगे तो सारा आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर आप जाओ हिस्ट्री में, जैसे आपको चेंज करना है उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, यस कितना सही है, आपको सब कुछ मिल जाएंगे। अगर आप किसी पार्ट को डायरेक्टली ले आते हो, जैसे इसको आप अगर, तो एक नया लेके दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है तो फिर आपको कहाँ पे असेंबली करना है, यहाँ पे आपकी लोकेटिंग वाला ऑन ऑप्शन मिल जाएंगे, तो ऑन करोगे तो कहाँ पे कितना साइज में लगाना है, तो यहाँ पे ट्रांसलेट वाला ऑप्शन भी मिल जाएंगे आपको। फिर रोटेट वाला ऑप्शन करोगे तो कहाँ पे रोटेट करना है, सब आप असेंबली में काम कर सकते हो। तो बहुत तरीका मिल जाएगा, अगर कॉन्स्टेंट लगाना है तो कॉन्स्टेंट भी इसमें मिल जाएंगे, जैसे आपको रहे वहां पे लगा सकते हो। तो मुझे यहाँ पे जो है ना, मैं आपको मैनुअली बना के दिखाता हूँ साइज के हिसाब से। ठीक है तो मैं आपको मैनुअली दिखा देता हूँ, वैसे यहाँ पे तो आप लगा ही लोगे, साइज वगैरह चेंज करना मैं आपको बता ही दिया हूँ। तो हम दो टाइप के हम लोग बियरिंग आते हैं, रोलर बियरिंग आता है जैसे आप दिखवा रहे हो यहाँ पे, एक बोल बियरिंग आता है एक रोलर बियरिंग आते हैं। तो हम यहाँ पे बोल लगाएंगे, ठीक है रोलर नहीं लगाएंगे। तो मैं इसको पहले मैनुअली बना देता हूँ, ठीक है उसके बाद हम इसकी सारे असेंबली करते हैं। फाइल ऑलमोस्ट सारे फाइल बन गया है, अब बस बियरिंग रह गई है। ठीक है तो मैनुअली पहले बना लेता हूँ, फिर मैं वहां बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बियरिंग बना लेते हैं। तो मैंने स्केच बना लिया बियरिंग का, तो मैंने तीन जो कंपोनेंट थे एक बार में बनाऊंगा। ठीक है एक बैरिंग का मैं शेप ले आऊंगा इसमें, फिर मैं इसको एक्सट्रूड कर लेता हूँ 20 mm की, फिर मैं इसमें ब्लेंड लगा दूंगा सारों में। यहाँ पे मैं 1 mm की ब्लेंड लगा दूंगा, जैसे मैं डायमेंशन किया वैसे ही बनाना आप लोग भी, नहीं तो पार्ट असेंबली में फिर आपको दिक्कत है, दिक्कत ही आएंगे। तो मैं जैसे बनाया वैसे ही आप लोग बना लेना डायमेंशन भी। ठीक है तो फिर इसके ऊपर की वो बनाऊंगा, फिर इसके अंदर में बॉल बनाऊंगा। ठीक है तो फिर मैं आपको स्केच बना के दिखाता हूँ फिर, है ना। तो इसको हम रिवॉल्व करेंगे, तो ये लेता हूँ मैं, कंट्रोल एड कर दिया, तो यहाँ मैं कंट्रोल एड कर देता हूँ, फिर मैं इसके ऊपर में वो बनाऊंगा, फिर रिवॉल्व कर दूंगा इसको। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे स्केच बना दिया मैंने, है ना, तो इसको मैं रिवॉल्व कर लेता हूँ। तो फिर यहाँ पे मैं स्लॉट काटूंगा, तो मैं इसको पहले रिवॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है तो ये रिवॉल्व हो गई है, तो इसके अंदर मुझे स्लॉट काटना है, क्योंकि मुझे इसके अंदर सर्कल है वो डालना है, बोल्ट डालना है। तो सबसे पहले मैं ये वाला प्लेन ले लूंगा, कोई भी एक प्लेन ले लूँगा, परपेंडिकुलर होना चाहिए, फिर इसकी सेक्शन काट लूंगा मैं। ठीक है तो यहाँ पे जो मेरा बोल्ट आएंगे, तो बोल्ट के लिए मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा जो बोल्ट निकले ना, तो इसके लिए मैं सेक्शन काट दूंगा। ठीक है तो मैं सिंगल बोल बियरिंग बनाऊंगा, ठीक है जिसमें एक ही रॉ रहेगा बोल का, तो फिर इसको मैं फिर रिवॉल्व काट कर दूंगा। ठीक है तो यहाँ पे जो है बोल फंस जाएंगे, तो बोल निकलेंगे नहीं यहाँ से। ठीक है तो इसको मैं हटा देता हूँ,
अब दोस्तों यहाँ पे मैं कंट्रोल डिलीट कर दिया हूँ, सॉरी कंट्रोल डिलीट कर दिया हूँ। तो यहाँ पे मैं एक बोल बना देता हूँ। तो बोल बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे स्केच लूंगा, जो मेरा ये प्लान था, ठीक है। कंट्रोल डिलीट कर दिया मैंने, तो सबसे पहले एक तो सर्कल बना लूंगा मैं, जो इसकी मेरा मिड पॉइंट होंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैं एक बना लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं डायमेंशन से दोनों का सेंटर सेम कर लूंगा मैं, ठीक है। तो यहां से मैं 10 एमएम होंगे अभी सेंटर होगा ये। इसको मैं फिर सेंटर लाइन लेके ट्रिम कर दूंगा। एक्चुअली मैं सेंटर सॉलिड में बनाऊंगा तो सेंटर लाइन लूंगा नहीं, मैं मेन लाइन ही लूंगा। फिर इसको मैं रिवॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा बॉल बन जाएगी, ठीक है। देख पा रहे हो बॉल बन गया मेरा, तो मैं इसको हटा ले रहा हूँ। अब इस बॉल को मैं एरे लगा दूंगा यहाँ पे, मैं सिंगल में ही बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बॉडी ले लूंगा, या फिशर भी ले सकते हो आपकी जो ठीक लगे। तो यहाँ पे फिर सेंटर ले लेंगे हम, तो मैं बेस कर लेता हूँ यहाँ पे, जगह मैं इक्वल स्पेसिंग कर देता हूँ, और इसको मैं 10 करके देखता हूँ, 12, ठीक है। तो मैं ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिशर जो है इसके जगह में बॉडी ले लूंगा, क्योंकि यहाँ पे मार्जिंग बॉडी मांगते हैं, ठीक है। तो मेरा बियरिंग जो है मेरा बन गया है ना, अभी निकलेगा भी नहीं, ये दोनों को होल्ड करके रखेंगे। तो इस तरीके से हम जो है बियरिंग वगैरह बना लेंगे, ठीक है। आई गेस आपको क्लियर हो गया बहुत सारा वीडियो, ठीक है। तो ये था, सारे पार्ट बन गए हम लोग की। अब इसके हम असेंबली बनाने वाले हैं, तो देखिए मैं नेक्स्ट वीडियो में अभी जो इसके बाद हम असेंबली करेंगे। तो मैं इसको सबसे पहले जो है मैं इसको सेव कर लेता हूँ। दोस्तों हम इसकी असेंबली कर लेते हैं, तो सबसे पहले मैं असेंबली ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी मेरा जो जितने कंपोनेंट है, टोटल मेरा जो कंपोनेंट है, तो सारा कंपोनेंट को मैं एक एक बार में नहीं करूंगा, तो मैं इसको अलग अलग, जैसे मेरा ये कंपोनेंट है तो मैं इसको अलग अलग करूंगा। जैसे मैंने इसको एक से एक अलग पार्ट बना रखा है, जैसे 1, 2, 3 मैं अलग पार्ट बना रखा हूँ यहाँ से, फिर ABCD अलग पार्ट, ये तो मैंने ये 3 असेंबली करूंगा, फिर सारे असेंबली होंगे, फिर इसको मैं मेन असेंबली में कन्वर्ट करूंगा। तो सबसे पहले जो है मैं एक्स वाला कर लेता हूँ, ठीक है। तो फिर हम इसको सेव कर लेंगे, फिर उसके ऊपर काम कर लेंगे। तो सबसे पहले जो लाऊंगा मैं, न्यू फोल्डर में जाऊंगा मैं, जो सबसे मेरा एक्स वाला काम कर लेता हूँ, तो फ्लाई व्हील लोअर पार्ट, ठीक है। जो मेरा फ्लाई व्हील का लोअर पार्ट वो आ गया मेरा, ठीक है। तो उसके ऊपर जो आएंगे मेरा, सॉरी, तो उसके ऊपर जो आएंगे, तो हम एक एक करके सबको करेंगे, ठीक है। तो ये जो है इसके ऊपर आ जाएंगे, इसको मैट लगा देते हैं हम, ठीक है। तो और यहां से मैं थोड़ा गैप कर देता हूं दोनों को, दोनों के बीच में मैं अप्रोक्सीमेटली 10 एमएम की अभी के लिए गैप रख रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे मैं टच, देखो 10 एमएम की है ही, तो मेरा टच रहेगा दोनों, ठीक है। क्योंकि यहां से ये लिमिट स्विच का काम करेंगे, मैं बताऊंगा कैसे इसके मैकेनिज्म काम करेंगे, मैं आपको बताऊंगा इसी के बारे में। तो थर्ड जो मेरा कंपोनेंट आएंगे, ट्रिपल एक्स जो मेरा पुश फाइल आएंगे, तो ये मेरा पुश फाइल आएंगे, ठीक है। तो पुश फाइल कैसे काम करेंगे मैं बताऊंगा ये भी, अभी इसको मैं रहने देता हूँ, फिर दो पार्ट ऑन कर लेता हूँ मैं साथ में ही। तो यहाँ पे स्मॉल रॉड, ठीक है, वाशर नट लॉक, ठीक है, तो इसको कर लेते पहले। तो यहाँ पे जो ये रॉड रहेंगे, ये रॉड जो है अंदर तक जाएंगे, ठीक है। तो ये जो रॉड है अंदर तक जाएंगे, दिखाता हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं इसमें एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, जो ये असेंबली बनाने से पहले आपको इसकी जो ऊपर जो स्प्रिंग मैकेनिज्म आएंगे उसको बनाना पड़ेगा। तो पहले जो है हम इसकी स्प्रिंग भी बना लेते हैं साथ में। तो मैं यहाँ पे एक नया फाइल ले लेता हूँ, जो मैं स्प्रिंग भी बना लूंगा साथ में, फिर उसके ऊपर हम इसको इम्पोर्ट कर देंगे, ठीक है। तो स्प्रिंग के लिए मैंने बियरिंग हो गई, बियरिंग टू ये वाला नहीं होगा, हम ए ये वाला ओपन कर लूंगा मैं, ABCD। तो मैं इसमें स्प्रिंग के नाम से रखा हूँ, पहला कैप आएंगे, ठीक है, फिर मेरा स्प्रिंग आएंगे,
फिर मेरा यहाँ पे रॉड आएंगे, फिर मेरा इसकी वॉशर आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, जो इसकी जो सेंटर है, मतलब इसकी जो एज है, इसकी एज के साथ हम दोनों फेस को कोइंसिडेंट कर देंगे। उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पे मुझे सेंटर कैसे लाएंगे, सेंटर लेने का मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ। अब पार्ट ए मेरा ये है और पार्ट बी ये है। मैंने पार्ट बी का सेंटर, जो मेरा सेंटर प्लेन है, फ्रंट प्लेन, मैंने इसके फ्रंट प्लेन ले लिया और इसको मैंने फ्रंट प्लेन लिया, दोनों फ्रंट प्लेन को मैंने कोइंसिडेंट कर दिया। सिमिलरली मुझे इसकी फ्रंट प्लेन और इसकी भी फ्रंट प्लेन दोनों को मैं कोइंसिडेंट कर दूंगा तो मेरा सेंटर मिल जाएंगे, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम कर सकते हैं। दूसरी चीज, अब मुझे इसकी अंदर की रॉड लगाना है, ठीक है। तो रॉड कुछ इस तरीके से लगेंगे कि यहाँ पे आपकी ये रहेगा और ये इस तरफ रहेगा, ठीक है। तो और इसकी जो फेस है, इसकी फेस के मैं डिस्टेंस दे दूंगा। तो यहाँ पे मैं इसको जो है डिस्टेंस देने वाला हूँ फ्लिप डायरेक्शन करके। तो लेट से मैं 10 mm की डिस्टेंस दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और जो ये मेरा बोल्ट रहेंगे वह सर यहाँ पे लगाएंगे हम बोल्ट के साथ इसको, और इसको कुछ इस तरीके से मैं ले जाऊंगा इसको, और यहाँ के साथ डिस्टेंस दे दूंगा अप्रोक्सीमेटली 10 mm की या 5 mm की मैं डिस्टेंस दे दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा ये बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा आगे भी से करना चाहते हो आप बाद में कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। तो मैंने इसको पहले जो है मैं इसको सेव कर लूंगा, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर लूंगा, मेरा जो न्यू फोल्डर है इसमें असेंबली 2 फाइल करके ये सेव हो गई, ठीक है। तो ये मेरा असेंबली 2 सेव हो गया। अब मैं इस फाइल में लाऊंगा, इस फाइल में फिर मैं वो असेंबली फाइल जो मैंने बनाया है असेंबली 2, फिर उसको मुझे यहाँ पे ले आना है, ठीक है। तो ये असेंबली 2 है तो इसको मैं ले आऊंगा यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं बाद में कलर वगैरह डाल लूंगा, फिलहाल के लिए रहने देते हैं ऐसे ही। अब दोस्तों ये कैसे काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये सेंटर और इसकी सेंटर दोनों सेम होंगे पहली बात, ठीक है। ये मैथ डायरेक्शन रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग जो बैठ जाएंगे, ये स्प्रिंग बैठ जाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो मैंने बहुत कुछ करके इसकी कैलकुलेशन किया है, ठीक है। तो ये आपकी इसके ऊपर बैठ गई। हम दोस्तों इसके ऊपर फिर एरे लगा देंगे इसको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सर्कुलर पैटर्न लगाऊंगा। अब ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लो, ये एक पार्ट में बनाया था, नहीं ये एक पार्ट में था, ये एक पार्ट में था और आपका ये एक पार्ट में था। तो और इसकी सेंटर चाहिए तो हम इसकी एज सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे आपकी कितना एमएम का चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 60 mm होगा, देख पा रहे हो आप 60। तो मैं इसको 6 लगा दूंगा लाइक इस तरीके से, ठीक है। अब मेरा ये 6 ऊपर का लेग लग गया है, ठीक है। तो फिर मैं बाद में हम एक ऐड करेंगे, अभी इसको मैं अभी के लिए ऐड कर देता हूं क्योंकि मेरा यहाँ पे असेंबली 2 का काम हो गया है। अब रही बात इसकी, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए दोस्तों एक तरीका है, अब देखो मैं कैसे बना रहा हूं। अब इसके ऊपर हम बोल्ट डालेंगे, ठीक है, 2 बोल्ट डालेंगे तब मैं इसको लगा पाऊंगा, अदरवाइज मैं इसको नहीं लगा पाऊंगा क्योंकि इसके लिए आपको कॉन्सिडेंट नहीं कर पाओगे और इसके रोटेट वगैरह नहीं हो पाएगा। तो मैं पहले जो है इसकी जो 2 बोल्ट आएंगे और इसके ऊपर जो नट आएंगे वो हमको लगाना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले ये इसको मैं फिटिंग कर लेता हूँ, इसकी सेंटर और इसकी सेंटर में सेम रखूंगा, ठीक है। तो मेरा सेंटर सेम हो जाएगी और यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शन होगा रिवर्स होगा, तो ध्यान रखना ये उल्टा पुल्टा नहीं होना है, ठीक है। तो इसको रिवर्स करना है और इसकी जो फेस है इसकी फेस से कुछ mm ऊपर रहेंगे, लेट्स से 5 mm ऊपर रहेगा, ठीक है। तो देख लेते 5 mm, ठीक है। तो 5 mm एक्चुअली ये का काम करेंगे, जो ये जो चीज है इसको हम पुश करेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको पुश करना है इसको। तो अब जो है ये जो है इसके कोई रेफरेंस नहीं, हम इसको कैसे लगाएंगे मैं अब दिखाऊंगा, सारा तरीका आपको बताऊंगा इसमें, थोड़ा ध्यान से दिखेगा, ठीक है। तो मैं इसको ओके कर लेता हूँ, ठीक। अब रही बात इसको लगाने का, अब देखो मैं इसको कैसे लगा रहा हूँ, ठीक है। तो हम जो है अभी 4x तक ओपन कर चुके हैं, हम बाकी का पार्ट ओपन कर लेते हैं। तो मेरा लास्ट की पार्ट है, जैसे ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, स्मॉल रॉड तो ओपन है, मैं 3 पार्ट को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे साइड में, ठीक है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे इसको फिट करना है ना, तो इसको हम फिट करना है, कैसे फिट करेंगे। तो सबसे पहले जो है इसको मैं थोड़ा ऊपर की तरफ खींच लेता हूँ।
अब यहाँ पे तभी फिट कर पाऊंगा, यहाँ पे मुझे दो बोल्ट लगाना है, तो बोल्ट लगाना है मुझे, तो मैं बोल्ट को ओपन कर लेता हूँ, जो मेरा बोल्ट है, ठीक है। तो बिना बोल्ट के मैं इसको फिट नहीं कर पाऊंगा, तो पहले इसको बोल्ट को फिट करना पड़ेगा आपको। तो मैं बोल्ट को ले आता हूँ, तो मैं यहाँ से नट ले लेता हूँ, ये रहा ट्रिपल नट में है, ये है आपकी नट, इसको मैं ले आता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको ले आया सबसे पहले, अब इसको मैं यहाँ पे फिट करना है, इसको रिवर्स कर दो आप, ठीक है। और ये जो है इसके साथ बोल्ट हो जाएंगे, तो हम कुछ डिफरेंस लेके बनाना है आपको, थोड़ा सा ही अंदर चले जाए, ठीक है, पूरा नहीं करना है यहाँ पे। यहाँ पे मैं 20 mm की दे रहा हूँ, ठीक है, तो 20 mm की मैं गैप रख रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा अंदर तक जाएगा ये। तो अब इसको आप एरे कर दो, सर्कुलर लगा दो, आप एक साथ भी कर सकते हो, मैं एक साथ नहीं करना चाह रहा हूँ सिंपली। तो सेंटर ये होगी आपकी, तो ये 30 डिग्री का एंगल में आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लगाओगे इसको। अब दूसरी चीज आएंगी, हम इसको लगाने के लिए, इसको लगाने के लिए आपको तरीका बता रहा हूं मैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे ब्लैंक स्केच लोगे, आप असेंबली में स्केच ले रहे हो, ठीक है। तो मैं इसको कंट्रोल पेज कर दे रहा हूँ, एक्चुअली मुझे एक रेफरेंस बनाना है, रेफरेंस लाइन बनाना है, मैं यहाँ पे सेंटर लाइन बनाऊंगा एज ए रेफरेंस, जरूरी है, अदरवाइज आप इसको नहीं कर पाओगे। तो मैंने यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन ले लिया है, अब मैं इसको स्केच से एग्जिट कर दिया। एक्चुअली यहाँ पे मुझे एक प्लान लेना है, तो मैंने यहाँ पे प्लान लूंगा, मैं यहाँ पे रेफरेंस सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं प्लान सिलेक्ट कर लूंगा। तो यहाँ पे जो मेरा प्लान बनेंगे, ये टॉप प्लान नहीं होगा, क्योंकि मैं राइट प्लान में काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे राइट प्लान ही आना पड़ेगा मुझे। तो राइट प्लान लिया है मैंने। अब दोस्तों इसके साथ मुझे असेंबली में मैट लगाना है, तो सबसे पहले मैं ये प्लान सिलेक्ट करूंगा। अब जो ये मेरा कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट का नाम क्या है, मेरा था पुश रॉड, ठीक है ना, पुश फाइल, ये वाला पुश फाइल है। तो इसकी जो सेंटर है ये मैं सिलेक्ट करूंगा, तो दोनों जो है मेरा इस तरीके से काम हो जाएंगे मेरा, ठीक है। तो अगर आपको रिवर्स करना है तो आप रिवर्स कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है, तो मैं ऐसे करूंगा। तो दूसरी चीज दोस्तों, इसमें क्या करना है आपको, ये फाइल जो है इस तरफ आएंगे आपकी, आगे की तरफ आएंगे, ठीक है। तो इसको रोटेट करना है, तो आप रोटेट कर सकते हो कंपोनेंट लेके, जैसे आपको रोटेट करना है, लाइक इस तरीके से होंगे या आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। तो ये ऐसे रहेगा, और ये जो आपने लास्ट टाइम जो आपने मैट लगाया, तो इस मैट को मैं रिवर्स कर दूंगा, ठीक है। तो इस मैट को मैं रिवर्स कर देता हूँ, ठीक है, और इस फाइल को मैं रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों, अब इस पार्ट को आपको इस पार्ट के अंदर जाना है। अब मेरा इसका काम हो गई, अब इसको मैं हाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे इस पार्ट को एडिट करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे प्लान लेना है। देखो मैं कैसे तरीके किस तरीके से ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं एडिट पार्ट करूंगा, ठीक है। असेंबली में सेव रिबिल कर लेता हूँ मैं, असेंबली 1 सेव हो गई मेरा। अब मैं इस पार्ट के अंदर आ गई, ठीक है, उस फाइल के अंदर आ गई। अब मुझे एक यहाँ पे प्लान लेना है सिंपली, तो मैंने यहाँ पे प्लान ले लिया, और इसकी रेफरेंस में कौन सी प्लान लूंगा मैं, ये प्लान लूंगा तो नहीं होगा, क्योंकि टॉप प्लान मेरा काम नहीं करेंगे यहाँ पे, मुझे राइट प्लान में था मैं, तो राइट प्लान ही लेना पड़ेगा, तो राइट प्लान लूंगा। तो यहाँ पे आपको एक प्लान दिखाई देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक प्लान दिखाई देंगे, तो आपको प्लान में काम करना है बेसिकली। तो मैंने यहाँ पे प्लान ले लिया है, ठीक है, तो आपको प्लान लेना है यहाँ पे। तो मैं एक चीज और कर सकता हूँ इसमें, एक सेकेंड, इसके जगह में मैं अगर फ्रंट प्लान ले लेता हूँ, काम नहीं होगा मेरा, मुझे टॉप प्लान से भी नहीं होने वाला काम, मुझे फ्रंट फ्रंट प्लान लेना पड़ेगा, सॉरी राइट प्लान लेना पड़ेगा, ठीक है, राइट प्लान ले लिया मैंने। इसको पैरेलल करना है तो पैरेलल कर सकते हो, परपेंडिकुलर करना है तो आप परपेंडिकुलर कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। कोइंसिडेंट करना है तो आप, या कोइंसिडेंट नहीं होगा, परपेंडिकुलर ही कर लेंगे हम, ठीक है। तो ये मेरा आ गई है, तो अब जो ये प्लान है, मैं इसको एग्जिट कर लेता हूँ यहाँ से। अब ये प्लान के मैं कोइंसिडेंट लेके मैं इसके साथ थोड़ा गैप दे दूंगा, देखो आप कैसे देता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं गैप दे दूंगा अप्रोक्सीमेटली 20 का, आप देख लो सही आ रहा है कि नहीं, 20 mm की,
नहीं आप दे सकते हो और 10, हम 13 mm की कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा जैसे इसको पूछेंगे, ठीक है। अब दोस्तों ये मैंने इसको दे दिया है, आगे भी से कर सकते हैं इसको, बट अभी ये हिलेंगे नहीं, ठीक है, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा, जैसे ये इसको थोड़ा हम टच हो रहा है, इसको हम नीचे ले जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे रॉड भी लगाना है, जैसे यहाँ पे थोड़ा टच में है तो हम इसको घुमा सकते हैं। तो मुझे नेक्स्ट पार्ट ले आता हूं मैं, तो मेरा यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में ले आऊंगा, उसके बाद मैं इसको कॉन्स्टेंट लगाऊंगा। इसको पहले लगाना पड़ेगा, उसके साथ मैं इसको लगा लेता हूं पहले, ठीक है। उसके बाद इस फेस को और इस फेस के साथ मैं गैप दे देता हूं 12 mm की, ठीक है। तो मैं 12 mm की गैप दे दिया। अब मेरा यहाँ पे वाशर रह गई है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे वाशर भी लगा दूंगा कि ये हिले ना। तो मैं यहाँ पे वाशर लगा दूंगा यहाँ भी, तो यहाँ वाशर लगा दो आप, क्योंकि ये हिल सकता है, इसको नहीं हिलाना है आपको, तो इसको रिवर्स कर दो, उल्टा घूम जाएंगे, नहीं उल्टा था पहले, ठीक था, तो वैसे कर लो आप, फिर इसकी सेंटर सेंटर सेम कर दो आप, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा गैप दे दो, क्योंकि ये देखे कि यहाँ पे है वाशर, नहीं तो मैं 2 mm की गैप दे रहा हूँ, ठीक है, लग रही वाशर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने बना दिया है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा 2 mm, उसको नीचे ले जाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो इसको मैं 2 mm नीचे ले जाऊंगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इसकी जो कॉन्सिडेंट है, कौन सी थे आपकी, ये वाली है ना, कि ये जो है 10 mm का है, तो इसको हम 10 mm को जाके थोड़ा नीचे ले जाएंगे। कितना नीचे ले जाएंगे, 5 mm, देख लो आप सही हो रहा है नहीं, 5 ज्यादा ले सकते हो आप, 8 mm फाइन है, ठीक है। अगर 8 mm लेते हैं तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा दोस्तों, देखो मैं एक से और दिखा देता हूँ आपको, गलती करके भी दिखाना पड़ेगा आपको। अगर हम 8 mm लेते हैं तो यहाँ इवेल्यूएट में जाके क्लियरेंस लेते हो तो यहाँ पे देखो क्लियरेंस आ जाएगा, मतलब क्या इंटरसेक्ट हो रहा है, तो आपकी डिजाइन में ना कुछ वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, मतलब अगर 3 mm इसमें कम करो या उसको हटाओ। तो हम क्या करेंगे, देखो मेरा यहाँ पे क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, आपको सिंपली इसको हाइड कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये जो कंपोनेंट है इसको मैं एडिट कंपोनेंट कर लिया। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डायरेक्ट एडिटिंग, आप डायरेक्ट इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, मूव फेस सिलेक्ट करेंगे, इसको मैं 3 mm, सॉरी मैं यहाँ पे 3 mm जो है इसको नीचे ले जाऊंगा, ठीक है ना, फ्लिप डायरेक्शन 3 mm मैं इसको नीचे ले गया, ठीक है। अब मेरा ये बन गया, अब यहाँ से मैं एग्जिट कर दिया, ठीक है। अब मेरा जो कंपोनेंट है उसको मैं शो कर दूंगा, ठीक है। अब मेरा कोई इंटरफेरेंस नहीं आना चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं है। तो कभी अगर डिजाइन में गलती होता है तो आप इस तरीके से उसको ठीक करोगे, ठीक है, कहीं इंटरफेरेंस आ रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप इस तरीके से उसको ठीक करोगे, जैसा भी आपको ठीक करना है ना। तो ये एक तरीका था, मैं आपको बता दिया हूँ। यहाँ पे थोड़ा हम चैम्फर लगा देते हैं, थोड़ा थोड़ा चैम्फर लगा देते हैं, 1 mm की मैं चैम्फर लगा दूंगा, थोड़ा चैम्फर होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा यहां तक चीज हो गया। अब दोस्तों हम थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं, हम नीचे में क्या क्या है हम लगाएंगे इसको। अभी के लिए ये तो मेरा हो गया है कंपोनेंट, इसको मैं सेव कर लिया यहाँ पे। अब हम नीचे की तरफ आएंगे, नीचे में थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो फ्लाईव्हील वगैरह है सब वही आएंगे, आपकी क्लच प्लेट वगैरह सब आएंगे। ये अभी मैकेनिज्म ये ऐसा है कि यहाँ पे इसको पुश करोगे तो ही आप काम करेंगे, मतलब जैसे आप साफ रहेंगे तो साफ जो है इसको ऊपर में लाएंगे तो ये पुश करेंगे, तो एंगेज डिसएंगेजमेंट इससे होगा, ठीक है। तो हम इसको भी एरे लगा देते हैं अभी फिलहाल के लिए, जो मेरा एरे होगा तो मैं लगाना पड़ेगा इसको भी, ठीक है। और इसके ऊपर एक कंपोनेंट आएंगे, वो भी लगाऊंगा मैं, इसमें 120 डिग्री आएंगे, ठीक है। तो 2 ही ले लिया मैंने, यहाँ पे मैं 3 कर दूंगा,
ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे मैंने इसको क्लीन कर लिया है। अब उसके ऊपर जो कंपोनेंट है, जिस ये वाला पार्ट जो इसमें लॉक हो जाएंगे कि इसके ऊपर नहीं आएंगे, तो उसके लिए हम एक पार्ट लगाएंगे इसके। तो मैं पहले भी आपको पार्ट लगा लेता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे जो मेरा पुश पिन लॉक है वो पिन ले आता हूँ मैं यहाँ पे, इसको मुझे लगाना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको लगाएंगे इसके साथ, ठीक है, और इसको लगाना है इसके साथ, ठीक है। अब जैसे हमने इसको कॉइंसिडेंट दिया ही नहीं था, तो इसको भी कॉइंसिडेंट करना पड़ेगा इसके साथ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको लॉक कर देगा यहाँ पे, है ना, ये यहाँ से उठने नहीं देंगे, ये घूमेंगे तो ये इसको उठने नहीं देंगे, तो ये काम करेंगे इसकी। तो इसको भी हमको एरे लगाना है, ठीक है, तो इसको भी हम एरे लगा देते हैं। सेंटर ये होगी, ये आपकी 120 डिग्री हो जाएंगे, तीन पार्ट में आ जाएंगे, ठीक है। आई गेस आपको बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएंगे इसमें। यहाँ पे और लगाना है, हम लगाएंगे नीचे भी मेरा प्लेट है, तब तक मैं इस प्लेट को डिफाइन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबको एक कलर दे दिया है, थोड़ा मेटल वगैरह डिफाइन कर दिया मैंने सबको, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो, थोड़ा दिखने में भी अच्छा लग रहा है। अब नीचे की पार्ट की काम करते हैं। तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, अब जो है मेरा यहां तक मैंने बना लिया है, अब मुझे लाना है इसकी जो बियरिंग पार्ट लिया है मैंने, बियरिंग रिपीट वाला लिया है, अब ये नीचे वाली पार्ट लाना है मुझे, ठीक है। तो हम नीचे वाली पार्ट ले आते हैं सबसे पहले। तो नीचे में क्या क्या आएंगे, तो मैं सारे पार्ट एक साथ ले आता हूँ। तो मैं नीचे के एक साथ पार्ट ले आता, तो यहाँ पे जाके मैं सबसे पहले जो मेरा फाइल है, बियरिंग पार्ट, बियरिंग शाफ्ट रिविट, ये पार्ट और लास्ट में ये वाली पार्ट। तो पहले मैं इसका भी वो कर लेता हूँ। तो सबसे पहले इसका मैं मेटल ले लेता हूँ, ये मेरा कास्ट आयरन में रहेंगे, ठीक है, या मैं इसकी, तो मैं कार्बन स्टील भी, एसएस भी ले सकता हूँ, तो मैं चलो एसएस ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो मेरा ये एसएस में रहेंगे और ये भी मेरा एसएस में, ठीक है, तो मैं इसको वाइट कर देता हूँ, ये भी मेरा एसएस में ले लूंगा मैं इसको भी। तो मेटल वगैरह डिफाइन करना है तो कर सकते हो, वैसे मैं कर देता हूँ, वैसे कोई वो नहीं है, मैं एनालिसिस में ले लूंगा, जैसे आपको लगे ठीक लगे आप कर सकते हो। तो मैं इसको वो कर देता हूँ। अब बियरिंग में, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे बियरिंग लगाना है, जो मेरा कंपोनेंट बियरिंग लेंगे, तो मैं मैट कर लेता हूँ। तो मेरा सबसे पहले इसके आउटर दोनों सेम हो जाएंगे, उसके बाद इसकी फेस और इसकी फेस, ठीक है। तो बियरिंग घूमेंगे तो हम इसको लॉक नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये घूमने वाला है। तो फिर इसकी फेस रहेंगे ऐसे, और ये जो है इसमें टच में आ जाएंगे, ये वाला पर्सन, ठीक है, तो यहाँ पे टच में आ जाएंगे, या आप इसको 1 mm के ऑप्शन वगैरह दे सकते हो आप, कि अल्टीमेटली घूमना ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट केस, इसमें आपके रिविट आएंगे, तो हम इसको लगाएंगे इसकी सेंटर पे, फिर इसकी सेंटर, ठीक है, फिर उसके बाद इसकी एज और इसकी एज आपकी, वो एज जो है हम लोग वो कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे हम एरे लगा देंगे इसको, कंपोनेंट को, फिर हम यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको 60 डिग्री लगा दूंगा मैं, और टोटल 6 हो जाएंगे, ठीक। तो ये आपकी यहाँ पे आ गया है। अब दूसरी चीज, इसको आपको फिर मैटिंग करना है, तो मैटिंग करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम इसको मैट करेंगे। तो ये वाला जो कंपोनेंट होएंगे मेरा ऊपर तक आएंगे, ठीक है, ये रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है, और ये चीज जो है आपकी आएंगे ऊपर तक आएंगे, क्योंकि यहाँ पे बीच में फ्लाई व्हील वगैरह सब आएंगे इसके अंदर। तो अभी के लिए मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ, कोई कॉन्स्टेंट वगैरह नहीं दे रहा हूँ, बाद में लूंगा मैं इसको। और ये जो मेरा व्हील है, इसको मैं थोड़ा कलर में डाल लेता हूँ, सॉरी मेरा रिविट जो है, तो इस बॉडी को मैं थोड़ा कलर में डाल दूंगा, लेट से मैं यही डाल देता हूँ, या मैं इसको पिंक, ठीक है, मैं थोड़ा यही कलर डाल देता हूँ,
ठीक है, तो मैं इसको अलग से कलर में डाल लिया हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे यहां तक मैं इसको सेव कर लिया फाइल को, मेरा फाइल को सेव कर लिया, ठीक है। अब इसकी जो नेक्स्ट अंदर वाले कंपोनेंट है वही आपकी इंपोर्टेंट कंपोनेंट है, जो वो चीज सही से लगना चाहिए आपकी, अगर उसको सही से नहीं कर पाओगे तो फिर सारा कहानी खत्म हो जाएंगे आपकी, ठीक है। तो लास्ट, सबसे लास्ट देखो, जब भी असेंबली करो ऐसे सब असेंबली में कन्वर्ट कर लो पहले, तब कर लेना, क्योंकि एक के बाद एक कर पाओगे तो कुछ कुछ चीजें असेंबली नहीं हो पाती। तो एक बड़ी असेंबली को आप, जैसे मेरे यहाँ पे 25 पार्ट्स है, तो इसको डिवाइड कर लो आप सब असेंबली, तीन चार असेंबली में सब डिवाइड कर लो, उसके बाद इसको असेंबली कर लो, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं अलग से कर लेता हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे फ्लाई व्हील प्लेट है, ठीक है ना, तो फ्लाई व्हील प्लेट ले आऊंगा मैं, तो इसको मैं साइड में कर लेता हूँ पहले, ठीक है। उसके बाद जो मैं प्लेट लाऊंगा, मेरा जो प्लेट आएंगे मैं आपको दिखा दूंगा फाइनली होने के बाद, ठीक है। तो ये मेरा प्लेट आ गई, ठीक है। उसके बाद आपकी फिर से फ्लाई व्हील प्लेट आएंगे, फिर आपकी फ्लाई व्हील आएंगे। तो हम दोनों इसको पहले असेंबली कर लेते हैं, इसको मैं पहले सब डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। ये आपकी मेटल में नहीं रहते, इसमें मैं कास्ट आयरन कर देता हूँ, चलो इसको मेटल नहीं रहते एक्चुअल में, बट मैं कर देता हूँ कलर के लिए। ये आपको, इसको हम एसएस में ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमने ले लिया, ठीक है, तो इसको हमने अलग में ले लिया, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे क्या रहेंगे, तो ये प्लेट रहेगा, ठीक है, तो ये प्लेट बाहर की तरफ रहेगा, ठीक है। अब हम दोनों को असेंबली कर लेते हैं पहले, इसकी एज और इसकी फेस, और इसकी फेस हम पहले कोइंसिडेंट कर दिया। उसके बाद इसको मैं थोड़ा बाहर की तरफ खींच लेता हूँ, और ये फेस और आपकी ये फेस को कोइंसिडेंट करना है, ठीक है। उसके बाद दोनों का सेंटर सेंटर आपको लॉक करना है, अदरवाइज क्या होगा, सेंटर आपकी घूम जाएंगे, तो ये भी एक पंगा है। तो दोनों की सेंटर कोइंसिडेंट कर दो आप, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया है। उसके बाद ये जो मेरा कंपोनेंट है, ये आपकी मिरर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दो कंपोनेंट आएंगे। तो मैं यहाँ पे मिरर करने के लिए प्लेन लूंगा, एक बाइसेक्टर प्लेन लूंगा, तो इसके बीच में एक प्लेन आ जाएंगे, इसको बोलते हैं हम बाइसेक्टर प्लेन। फिर हम इस कंपोनेंट को कर देंगे मिरर, जो ये मेरा कंपोनेंट है, सेम कंपोनेंट मिरर हो जाएंगे, बहुत सही, ठीक है। मेरा कंपोनेंट मिरर हो गई, सेंटर मेरा सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ये मेरा लग गया है। अब उसके जो मेरा ये लोअर प्लेट है, जो मेरा इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं थोड़ा हाइट कर लेता हूँ यहाँ पे, नहीं तो ये ज़्यादा लंबा दिखेंगे, ठीक है। अब जो ये मेरा असेंबली सिक्स ये वाला है, आई गेस मेरा असेंबली सिक्स कौन सी था, ये पार्ट ये है, ये वाला। तो ये जो मेरा कंपोनेंट है, तो इसके ऊपर जो है एक अलग से दो प्लेयर आएंगे, तो मैं इसको ले आता हूँ एक साथ में ही, फ्लाई व्हील प्लेट, मैं इसके साथ फ्लाई व्हील भी ले आता हूँ, तो मैं इसको थोड़ा बाद में लगाऊंगा फ्लाई व्हील को, ठीक है। तो ये मैंने कंपोनेंट को हाइट किया था, वो हाइट करना पड़ेगा फिर से। तो यहाँ पे फ्लाई व्हील आएगा, फिर मेरा लोअर प्लेट आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं एक बार लोअर प्लेट को भी ले आता हूँ, लोअर पार्ट में ले आता हूँ एक बार, ठीक है। और जो इसके साइड में आएंगे, मेरा एल प्लेट आएंगे, मेरा एल प्लेट भी ले आना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये तीनों प्लेट इसमें लगने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हमको एल प्लेट, पहले हम एल प्लेट लगा लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है। दो एल प्लेट होगा, मैं इसको मैट कर लेता हूँ पहले, इसकी सर्कल की और इसकी सेम होगा, ठीक है। फिर दोनों की सेंटर सेम कर दो आप, ठीक है। उसके बाद सेंटर सेंटर दोनों की कोइंसिडेंट कर दो, इसकी और इसकी सेंटर कोइंसिडेंट कर दो। कभी कभी जो साइज है छोटा छोटा बड़ा भी करना पड़ सकता है आपको असेंबली के टाइम पे, फिर हम इसको मिरर कर देंगे, ठीक है ना। तो मेरा जो एल प्लेट है इसको, सॉरी मैं यहाँ पे जो मेरा एल प्लेट आएंगे इसको हम मिरर कर देंगे, किसके साथ, इस प्लेन के साथ, ठीक है, डन। तो हमने इसको, सॉरी कंपोनेंट सिलेक्ट नहीं हुआ, तो हमने इसको मिरर कर दिया है, ठीक है। इस साइड भी आ गया मेरा, तो सेक्शन काट के देख लेंगे हम बाद में। अब दोस्तों इसके ऊपर आपको प्लेट लेना है,
ठीक है। तो हम जो है इसके ऊपर आपको प्लेट लेना पड़ेगा, तो हम जो है इसके ऊपर आपको एक प्लेट ले लेंगे लाइक इस तरीके से। मैं पहले इसको एक बार एस्केप कर लेता हूँ, पोजिशनिंग कर लेता हूँ इसकी, ठीक है। तो इसके ऊपर पोजिशनिंग कर लेंगे हम, ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं, ये वाला फेस जो है मेरा इसके कोइंसिडेंट में आएंगे, ठीक है। और इसकी सेंटर और जो आपकी इसकी सेंटर रहेंगे सेम रहेंगे, यहाँ पे सब ठीक है। कभी कोइंसिडेंट है कि नहीं अगर देखना चाहते हो, इंटरसेक्शन वगैरह हो रहा है कि नहीं देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, जैसे कहीं पे इंटरसेक्शन हो रहा है। ओके यहाँ हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिटिल सा हो रहा है, तो हम इसको देख लेंगे, अभी इसका भी इलाज कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, तीन जगह में हो रहा है, बाकी यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। तो इसको इंटरसेक्शन को ठीक करने के लिए इसको पहले कर ही लेते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए इस कंपोनेंट को जाके हम एडिट कंपोनेंट कर लेंगे, और जो यहाँ पे रेडियस आ रहा है, जिस कंपोनेंट की रेडियस आ रहा है, यहाँ पे आप रेडियस जो आ रहा है ना, हम इसको रेडियस को बढ़ा देंगे। तो मैंने इसको डायरेक्ट बना के इम्पोर्ट कर दिया था, ठीक है। तो फिर मैंने इसको जो बनाया था इम्पोर्ट कर दिया था, तो हम इसको रेडियस को बढ़ा देंगे, अदरवाइज नहीं तो आपको इसकी जो स्केच है यहाँ पे इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो आपकी दो तरीका है इसको बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए, ठीक है। तो आप देख लो आपको कैसे करना है। तो फिर मैं इसको जो है आगे भी से भी कर सकते हो इसको थोड़ा, है ना, तो इसको आगे भी से भी कर सकते हो, जैसे ये है आगे भी से, तो मैं इसको कॉन्सिडर नहीं किया था, इसको आगे भी से कर लो, बाद में मैं इसको कैसे करना है मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अब आई गेस नहीं होगा आपके पास, अभी नहीं होगा, तो हम बाद में यहाँ पे मैं प्लान लेके मैं इसको करूंगा, देखना मैं कैसे करूंगा इसको। सबसे पहले इसको कर लेते हैं, तो ये मेरा यहाँ पे आ गया है ना। तो यहाँ पे मैं इसको फिर फ्लाई व्हील को ले आऊंगा, तो फ्लाई व्हील लाने से पहले मैं सबको यहाँ से जो मैंने इसको बनाया था सबको मैं हाइड कर दूंगा यहाँ से, या मैं इसको डिलीट ही कर दूंगा, तो डिलीट नहीं हो पाएगी इसमें, ठीक है। तो मैं हाइड ही कर दूंगा, पहले हाइड करना चाहिए था मुझे यहाँ पे, तो मैं इसको हाइड कर लेता हूँ 2 मिनट के लिए। तो दोस्तों इसको कैसे हटाओगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, इस पार्ट में जाके डायरेक्ट आप नहीं कर पाओगे डिलीट, इस पार्ट में जाओ, जो मैंने पार्ट बनाया था पार्ट को सिलेक्ट करके डिलीट इंस्टेंट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से हट जाएगा, ऑलरेडी दो डो है, मैंने दो डो बार करा था, तो दो बार करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये हाइड हो गई, हाइड नहीं हुआ, ये डिलीट हो गया डायरेक्ट। तो अब जो दो डो हम इंस्टेंट पैटर्न बनाए थे, तो आपको ऐसे डिलीट करना पड़ेगा जो आप बनाए थे, इसको आपको डिलीट करना पड़ेगा लाइक, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड मेरा यहाँ पे सारा जो है डिलीट हो गया है, मैंने डिलीट कर दिया है, तो इसको मैं यहाँ से एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है। अब जो ये कॉम्पोनेंट रहेंगे ये मेरा नीचे की तरफ रहेंगे, ठीक है, मैं इसको नीचे की तरफ कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो हम इसको जो है कोइंसिडेंट कर देते हैं इसको भी, तो मैं इसको भी मैट कर लेता हूँ, इसके साथ जाके मैं इसको भी मैट कर देता हूँ, ठीक है। और दोनों के सेंटर सेम हो जाएंगे, तो आप इसकी सेंटर और इसकी सेंटर भी आप सेम कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा हो गया है यहाँ तक, अब आपको कुछ ज़्यादा काम बाकी नहीं रह गई, थोड़ा सा काम बाकी रह गई आपको, यहाँ पे जाके पहले इसको सेंटर और इसकी सेंटर आपको सेम करना है, ठीक है। उसके बाद इसकी बाद आपको थोड़ा सा काम है, बस काम ये है इसको आपको ऊपर ले जाना है, ठीक है। तो हम जो है इसको आप ऊपर ले जाओगे, मैं इस फेस को आप इस फेस के साथ ऊपर ले लो, ठीक है। तो ध्यान ये रखना है आपका जो ये बोल्ट है इसके साथ आए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो आपकी बोल्ट है ये इसके साथ आएंगे, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं ऐसे कर लूंगा, इस फेस को इस फेस के अकॉर्डिंग ले आऊंगा, ठीक है। तो ध्यान ये भी रखना है कि ओवरलैप ना हो, ठीक है, ठीक है। अब ओवरलैप करने के लिए आपको सेंटर मिलाना पड़ेगा, तो इसकी सेंटर और इसकी सेंटर दोनों आपको सेम रखना है, ठीक है, कोइंसिडेंट करना है। यहाँ पे कोई ओवरलैप हो रहा है मैट, हम देखेंगे कौन सा मैट ओवरलैप हो रहा है यहाँ पे, सबसे पहले इसको मैं हाइड कर लेता हूँ, मेरे कंपोनेंट को हाइड कर लेता हूँ,
तो यहाँ पे सब ठीक है, हम यहाँ पे बोल्ट वगैरह लगाना पड़ेगा, हम लगाएंगे बोल्ट भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको देख लेता हूँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा सा अभी ऊपर में थोड़ा है, ठीक है दोस्तों। तो कहीं जो है मेरा एंगल जो है मिस अलाइनमेंट हो गई, तो इसको कैसे ठीक करेंगे? अभी तो ठीक तो करना होगा आपको, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको इसको ठीक करना है। तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों के एंगल देखेंगे पहले, ये दोनों का कितना एंगल में है। तो सबसे पहले मैं इसको एडिट पार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद मैं इसको यहाँ पे कमान आता है, देखो थोड़ा सा मैं आपको दिखा भी देता हूँ। डिलीट फेस, अंदर की फेस सिलेक्ट करो, अप्लाई कर दो, ठीक है। जो होल था वो गायब हो गई, तो हम नया से इसके ऊपर होल बनाएंगे, ठीक है। तो मैं पहले सबको डिलीट फेस कर लूंगा, ये बहुत जरूरी है, ये सब कमान आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम सबकी डिलीट कर देंगे इसको, एक बार में मैं डिलीट कर लेता सबको, ठीक है। तो उसमें हम करेंगे इसको डिलीट कर लेंगे, तो मैं सबसे पहले सबको डिलीट कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ क्या करना है इसमें। तो ये मैंने एडिट कर लिया है, सबको हटा लिया मैंने वैसे। अब मैं इसके ऊपर दोबारा बनाऊंगा, उससे पहले मैं उसको ठीक, इसको ठीक करना पड़ेगा तब मैं बना पाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, पहला जो ये है मेरा, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। अब मैं इसके ऊपर ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा, इसको मैं घुमा लूंगा सबसे पहले, तो इसके अलोंग मैं इसको कर लूंगा। तो मैंने इसके अलोंग कर दिया है सब होल मेरा, देखो आप यहाँ पे आप देख पाओगे जो मेरा ये होल है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको हाइड करके रखा, यहाँ पे देख देता हूँ, इसको मैं हाइड करके दिखा रहा हूँ, सब मिल गया है। तो मैं इसको दोनों को शो कर लेता हूँ, ठीक है। अब मेरा हिसाब से ऊपर वाला जो मेरा बोल्ट है वो आपकी हो गया है। मुझे करना ये है सिंपली, यहाँ पे जो होल है ना, यहाँ पे मुझे इसको भी लगाना है, ठीक है ना, यहाँ पे मुझे इसको भी लगाना है, फिर मैं इसके ऊपर बोल्ट लगा लूंगा, ठीक है। तो मुझे इसमें प्लेट में होल करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एडिट पार्ट करूंगा, फिर यहाँ पे जाके मैं इसको स्केच ले लूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सर्कल बना लूंगा सबसे पहले, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सर्कल बना लूंगा जितने के मेरा वो है, तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 12 का होगा, तो 12 का जो है मैं इसमें बना लूंगा, ठीक है। तो इसको मैं एरे लगा देता हूँ, फिर मैं इसको कट कर लूंगा। तो सर्कल को सिलेक्ट कर लिया मैंने, तो यहाँ पे से कर लो आप, ठीक है। तो उसी सर्कल आ गई, सिमिलरली यहाँ पे भी आपको सही है, तो हम यहाँ पे भी लगाएंगे, 10 का लगाना है आपको, फिर इसको हम एरे लगा देंगे। तो अगर कहीं पे आपकी गलती हो तो आप इस तरीके से आप इसको ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको यहां से एग्जिट कर दूंगा और सिंपली इसको मैं यहां से एक्सट्रूड, इसको यहाँ पे ऐसे खींच के लगा दूं तो हो जाएगा ये। तो मैं यहाँ पे जाके इसको एक्सट्रूड कट कर दूंगा, ठीक है। बस आपका काम हो गया, अब यहां से एग्जिट कर दो, अब देखो आपके यहाँ पे होल भी हो गया। तो इस तरीके से कहीं आपका प्रॉब्लम मिलता है तो आप इस तरीके से इसको ठीक कर सकते हो। तो मैंने आपको दिखा दिया, मैं फाइल को सेव भी सेव ऑल कर लेता हूँ, ठीक है। जहाँ पे आपको ऐसे प्रॉब्लम मिले वहां पे आप लगा सकते हो। अब छोटी छोटी कंपोनेंट में वो लगाना है आपको, छोटी छोटी कंपोनेंट, जैसे ये होगी। एक्चुअली इसका जो मैकेनिज्म है, तो आई गेस सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका जो मैकेनिज्म है, इसको कैसे काम करेंगे, जैसे मेरा यहाँ पे शाफ्ट इसको प्रेस करेंगे, जैसे यहाँ पे मेरा ये प्रेस होगा, ठीक है। तो ये प्रेस होने से मैं दिखा देता हूँ आपको, ये क्या होगा, ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। ये ऊपर की तरफ ले आएगा, अब ऊपर की तरफ आएगा तो ये क्या करेंगे, ये पुश करेंगे, तो ये आपके एंगेजमेंट और ये जो बोल्ट है इसको एंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट में काम करेंगे ये, ठीक है। तो ये होगी इसकी सारा मैकेनिज्म। अब उसको मैंने यहाँ पे बोल्ट यहाँ पे भी लगाना है, एक जो है नट है, तो हम इसको ले आएंगे बोल्ट को। तो हम बोल्ट ले आते, एक तो बोल आपकी डी बोल्ट है, ठीक है। तो हमने लगा दिया इसको, तो इस फेस को फिर आप इस फेस के साथ लगा दो, फिर आप इसको एरे लगा दो। इसमें जाके हम एरे लगा देंगे सर्कुलर एरे। तो कंपोनेंट सिलेक्ट करके आप यहाँ पे कितना लगाना है, 120, ठीक है। ट्री लगाना है आपको, ट्री लगा दो इस तरीके से। तो इस तरीके से आप जो है
पूरा असेंबली कर लोगे। ठीक है दोस्तों, तो आई गेस आपको बहुत सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो मेरे से, है ना। तो मैं इसका जो है थोड़ा मेटल डाल लेता हूँ, ये मेरा एसएस में रहेंगे अभी, तो मैं टाइपिकल एसएस ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा हो गया है, तो मैं एक बार आपको हाइड करके दिखाता हूँ नीचे से भी। ठीक है, सेक्शन देखना है, आप सेक्शन देख सकते हो। इसको मैं आगे ले आता हूँ थोड़ा, ये इसकी आपकी सेक्शन व्यू है, सारा मैकेनिज्म देख लो आप। बियरिंग इसमें घुमेंगे, जैसे इसको हम एंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट करेंगे ना यहाँ पे, तो ये मेरा थोड़ा आगे भी से है, तो इसलिए मेरा सेंटर पे नहीं दिखा रहा है, तो ये आगे भी से है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये ऊपर नीचे होंगे, ये क्लच प्लेट आपके काम करेंगे। ठीक है, तो ये होगी इसकी सारे मैकेनिज्म कैसे इसमें काम करेंगे। तो ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो। जो चैनल में नया नया जुड़े हैं, जो नया नया देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर कोई आपके डाउट हो तो डाउट मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, और अगर किसी को ये फाइल चाहिए तो अपना मेल आईडी कमेंट पे डाल दो। ठीक है, मैं आपको फाइल शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं देखो दोस्तों कुछ कुछ बेसिक चीजें आपको क्लियर करवा देता हूँ। जैसे हम क्लास बनाते हैं, तो हम जैसे क्लास बनाते हैं ना, क्लास आपके चार टाइप में आता है। एक आता है सिंगल प्लेट क्लास आता है, एक मल्टी आता है, एक आता है कोन आता है, और साइंटिफिकल क्लास आता है। तो सारों का डिफरेंट डिफरेंट होती है। हम इसके ऊपर फ्रिक्शनल मेथड आता है, जहां पे आप फ्रिक्शनल मेथड वगैरह यूज करते हो उसके ऊपर भी होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन से क्या मेथड यूज करना चाहिए आपको। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। बेसिकली जो सांप काम करते हैं ना, तो आपको क्या करते हैं, एंगेज और डिसएंगेजमेंट करता है। जो ड्राइविंग जो आपकी जो सांप होता है, वो ड्रिवन से आपको एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट में काम आता है। तो बेसिकली ये मेरा सिंगल प्लेट क्लास था। ठीक है, तो इस तरीके से वो डिजाइन बनती है। आई गेस मैंने डिजाइन देख के बनाया था डायमेंशन करके, तो एक टाइम में हमने इसको काम किया था इसके ऊपर, तो मैंने आपको शेयर कर दिया आपके साथ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अगर आपको सेंट्रिफिकल क्लास के ऊपर सही है वीडियो, तो वहां पे आप कमेंट कर लो, मैं बना दूंगा। ठीक है, अगर इस वीडियो में अच्छा सही से रेस्पॉन्स मिल जाता है, तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो बेसिकली यही था, वीडियो को आप पॉज करके बना लेना, देख लेना, जो भी होगा मैं फाइल शेयर कर दूंगा आपको, तो आप बना ही लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम जरा देखो, अगर आपको फॉर्मूला के साथ बनाना है, ठीक है, तो फॉर्मूला के साथ भी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको थ्योरी क्लास चाहिए, मैं थ्योरी भी डाल दूंगा इसमें, थ्योरी भी आता है। ऐसे मैं अपने यहाँ पे सेंटर में अगर मैं क्लास लेता हूँ, तो मैं थ्योरी के साथ बताता हूँ, तो क्या होता है, कौन क्लास की थ्योरी अलग होता है। ठीक है, सेंट्रिफ्यूगल का अलग होता है, सिंगल प्लेस का अलग होता है। तो हम डिजाइन करते हैं ना, तो हम वो सब चीजें लेके करते हैं, तो आपको भी लेके करना पड़ेगा। एज ए आप प्रोडक्ट डिजाइनर हो, अगर नया कंपोनेंट मिलता है, तो आपको वो सब चीजें लेके करना पड़ता है, तो उसके बिना नहीं मिलती है। तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है, मास कितना होना चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगेगा, स्प्रिंग फोर्स कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ शू कितना लगाओगे, ओमेगा क्या होता है। तो इस तरीके से जो पैरामीटर्स होते हैं आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उस तरीके से फॉर्मूला वगैरह का लगा के करते हैं। जैसे हम लोग उस टाइम में बीटेक किए थे, तो सारा वगैरह हम कैलकुलेशन वगैरह किए थे उस टाइम पे, तो हम स्प्रिंग फोर्स वगैरह भी निकालते थे, हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के क्या आ रहे, हम हर तरीके से हम उस टाइम करते थे। कभी कभी आपके पास ऐसे भी केस आते हैं जिसमें हम लोग कितना हीट जनरेट हो रहा है क्लास में, वो भी लिखना होता है। कभी कभी क्या देखते हैं हम लोग के पास केस, कितना टाइम में वो एंगेजमेंट होगा, सब आउटपुट सब जो है कितना वो होंगे, कितना ओमेगा रहेगा, तो वो सब चीजें आपको निकालना होती है कभी कभी। तो वो सब चीजें कैलकुलेशन से होता है। डिजाइन से देखो, डिजाइन से आप डिजाइन बना लेते हो, वो अलग चीज हो गई, लेकिन आपको कैलकुलेशन के बिना आप डिजाइनर नहीं बन पाओगे, एज ए आप आरएनडी में काम नहीं कर पाओगे। तो जब भी सीखो उसके कैलकुलेशन के साथ सीखो, सारा कुछ आपको इन फ्यूचर काम आने वाला है। ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे हो गई तो आगे काम नहीं आएंगे। ठीक है, जब भी सीखो उसको थ्योरी के साथ सीखो, कैलकुलेशन के साथ सीखो, प्रैक्टिकली सीखो। ठीक है, बहुत सारा ट्रेनिंग सेंटर है, जैसे सिखाते हैं कि आप कहीं पे पहले आपको सीखने जाते हो, तो आपको कैसे सीख जाते हो कि डिजाइन बनाना सीख गए, वैसे काम नहीं होते। अगर आप इंटरव्यू ले जाओगे, वहां पे आपको बहुत कुछ सीख जाओगे। आप जैसे बड़ी कंपनी के लिए जाते हो, ठीक है, तो वहां पे आपका एप्टीट्यूड भी होती है, आपकी रीजनिंग भी होती है। ठीक है, तो बात वही है, आखिर में आपको टेक्निकल चीजें आना चाहिए। ठीक है, तो डिजाइन ऐसी चीज होती है जहां पे आप जितना आपको इनहेंस करोगे, आपको इतना आउटपुट मिलेंगे। तो ये तो होगी थोड़ा अलग सी बात होगी। तो ध्यान रखें, जो भी आपको डाउट वगैरह हो नीचे कमेंट कर लो। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। आज के लिए इतना ही, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।